अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं पूरी दुनिया में, मेरी ये दुआ आजकल खास कर आपके लिए है कि आप लोग एक साथ होंगे और खैर खैरियत से होंगे और सेहतयाब होंगे। आज मेरे स्पेशली जो यूके और यूरोप के नाजरीन हैं उनको हम बताते चलें कि हम जो है इस तरह के थीम शोज आपके लिए लेकर आया करेंगे, जहाँ पर हमारा पूरा शो जो होता है वो एक फ्रूट पे, एक वेजिटेबल पे, एक प्लांट पे, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है जिसके हम आपको खाने पीने के फवायद जो है वो बताते हैं। उससे अगर कोई मिक्सचर बनता है, कोई फेस मास्क बनता है, कोई ऐसी चीज़ बन सकती है जो आप घर में यूज़ कर सकें अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो वो हम आपको बताते हैं। किन क्रीम्स में ये यूज़ होता है, क्या इसके फवायद होते हैं, गोरा करता है आपको, साफ सुथरा आपकी स्किन करता है, ग्लोइंग करता है, मॉइस्चराइज करता है, क्या फवायद हैं स्पेसिफिक फ्रूट के, वेजिटेबल के, जिसके ऊपर हम शो लेकर आए, ये हम आपको बताते हैं। और डिफरेंट बीमारियों को जो ये केटर करता है उसकी भी जो है हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आज हमारी थीम आप गेस कर चुके होंगे, सेब के ऊपर है ना, सब गेस कर ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जो हैं। एनीवे, मजाक की आदत है मुझे। ऑरेंजेस के ऊपर आज हमारी थीम है। हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान आज लग रहे हैं क्योंकि वो भी आज ऑरेंज थीम पर यहाँ पर आए हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो उनसे बात होगी और डिफरेंट तरीकों से ऑरेंज को जिस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। हर सुबह एक अच्छी सी दुआ से होती है और हर सुबह एक अच्छी सी बात से होती है, एक अच्छी सी नसीहत से होती है, एक अच्छे से वाक्य से होती है। तो अभी जो मैं बात बयान करने जा रही हूँ, कोइंसिडेंटली जब कुलसुम ने मुझे बताया कि हम ये वाला वाक्य बयान करने जा रहे हैं, तो मुझे जो हमारे आजकल हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में वो भी एकदम से याद आ गए और मैंने कहा कितना कोरिलेटेड है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। होता ये है कि एक बेटे और बाप की कहानी है, और वो जो बेटा होता है आजकल की जो हमारी यंग नस्ल है उसकी तरह, जब भी उसका बाप उसे कहता है मेरे साथ टाइम गुजार लो, तो हमेशा कहता है कि दोस्त के पास जा रहा हूँ, दोस्त को मेरी ज़रूरत है, दोस्त के साथ पढ़ाई करनी है, दोस्त के साथ बाहर जा रहे हैं, दोस्त के साथ किसी की बर्थडे पर जा रहे हैं, दोस्त 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 दोस्त, जो हम हमेशा सुनते हैं, यानी कि दोस्त इतने इंपॉर्टेंट है अब्बाजी, आपको समझ नहीं आती, यू नो, पीयर प्रेशर, मैंने दोस्तों के साथ रहना है। तो एक दिन कोई काम पड़ जाता है इस दोस्त को और इसी लड़के को, और वो अपने अब्बू को कहता है कि मुझे अभी के अभी जो है, मुझे पता है ये काम और कोई भी नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्त से मिलूंगा तो ही जो है वो मुझे इसका हल बता सकता है। तो उसके अब्बा कहते हैं इतनी देर हो रही है, रात हो गई है, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे दोस्त? वो कहते नहीं नहीं मेरा दोस्त जो है, हम चलते हैं और वो मेरा जो है ये मसला हल कर देगा। तो वो अपने अब्बा जी के साथ रवाना हो जाते हैं अपने दोस्त के घर, और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत देर दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो दोस्त के अब्बू नीचे आते हैं तो कहते हैं कि जी क्या बात है? तो वो आगे से कहते हैं मैंने अपने दोस्त से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर वेट करो, मैं देखता हूँ कि वो सो तो नहीं रहा। तो वो अंदर जाते हैं, फिर थोड़ी देर वेट कराते हैं, वापस आके उसको कहते हैं सॉरी बेटा वो सो रहा है, आप सुबह आइएगा, सुबह उससे बात कीजिएगा। तो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है, थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है कि ये वो दोस्त है जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप को टाइम ही नहीं देता हूँ, और मैं आज आई हूँ, आज मुझे उसकी ज़रूरत है, तो वो बाहर ही निकलने के लिए तैयार नहीं। तो उसके अब्बा जी उसे कहते हैं कि बेटा ऐसा करते हैं कि इस मसले का हल शायद मेरे दोस्त के पास हो, तो हम उसके पास चलते हैं। इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब रात के 2-3 बज रहे होते हैं। तो वो लोग जब रवाना होते हैं वहाँ से, थोड़े पुराने ज़माने की बात है तो ज़रा टाइम लगता था सफ़र तय करते हुए, तो वो सुबह की अजानों से थोड़ी देर पहले जो है वो पहुँचते हैं अब्बा जी के दोस्त के घर। तो जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से उन्हें एक लाठी की जो है वो क्या कहते हैं, जो आपके बैसाखियाँ होती हैं, उसकी आवाज़ आती है कि उसके ऊपर कोई बंदा जो है वो आ रहा है, और वो दरवाज़ा खोलता है, और वो जब देखता है कि सुबह सुबह भी वो नींद से उठ के उसने दरवाज़ा खोला होता है, अपने दोस्त को देखता है तो इतना ज़्यादा खुश होता है और एक ज़ोर की झप्पी डालता है और उसे कहता है कि कैसे आना हुआ, खैर खैरियत है, और उसके बाद जो उसका मसला होता है वो भी वो हल कर देता है। तो ये उसका अब्बू जो है वो अपने बेटे को समझाता है उस वक्त कि बेटा दोस्ती जो है वो ये नहीं होती कि साथ टाइम गुजार लिया, हंसी मजाक में साथ दे दिया एक दूसरे का, कोई अच्छी ओकेजन थी उसको सेलिब्रेट कर लिया, ये सारी चीज़ें दोस्ती का एक पार्ट है, लेकिन दोस्त का पता तब चलता है कि जब आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त हो, जब आपको उसकी ज़रूरत हो, तो क्या वो आपके साथ है कि नहीं। अब इसका बिल्कुल भी ये मॉनेटरीली गलत मतलब प्लीज़ मत लीजिएगा कि मतलब वो दोस्त आपका सिर्फ दोस्त है जो आपको पैसे दे सके या जो आपकी मदद कर सके या जो आपके लिए कुछ कर सके। आपका दोस्त चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उसकी जो दो बातें होती हैं जो वो आपको कह दे कि यार जो मर्जी हो जाए मैं आपके साथ हूँ, अगर हमने मुश्किल टाइम से भी गुजरना है तो मैं आपके साथ गुजरूंगा, अगर हम किसी अच्छे टाइम में हैं तो भी हम मिलकर जो है इसको मनाएंगे, यही बात होती है कि इंसान को कभी अपना आप अकेला फील ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि दुनिया में अगर ये मुसीबतें हैं ये तो अकेली मेरी ही है। सिर्फ किसी इंसान का आपका साथ देना, आपको ये कह देना कि यार मुश्किल वक्त है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करूंगा, तो यही बहुत होता है। मतलब दाल रोटी खानी है ना, इतने दिन साथ खा लेंगे, कोई बात नहीं।
आज जो हालात है पूरी दुनिया में, बहुत ही दुख होता है देख कर ये कि हम मतलब मुसलमान वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन है, जो इस्लाम एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन है जो पूरी दुनिया में प्रिवेलेंट है, और उसके अंदर जो हमारे मुसलमान भाई हैं कुछ एरियाज में इतने अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और उनके साथ जो जो चल रहा है, हम लोगों ने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं इंडिविजुअली. अगर हम देखें पिछले 10 साल को अगर उठा लें तो डिफरेंट मुस्लिम ममालिक में क्या कुछ हो रहा है और कितने रेफ्यूजीज हैं, इनकी जब बात होती है तो मुझे बड़ा दुख होता है. एक फैक्ट मैं उस दिन पढ़ रही थी कि ज्यादातर रेफ्यूजीज को अकोमोडेट करने वाले गरीब ममालिक हैं, कि जितने भी आपके अमीर मुल्क हैं, चाहे वो मुसलमान मुल्क हैं, चाहे वो अंग्रेज मुल्क हैं, चाहे वो किसी और रिलीजन के मुल्क हैं, उसके अंदर आपके इतने रेफ्यूजीज केटर नहीं होते हैं जितने गरीब मुमालिक के अंदर होते हैं. और आपको पता है कि एक गरीब मुल्क जब अपनी रिसोर्सेज से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर लेता है तो नेचुरली उसकी इकोनॉमी भी फिर गिरती है, फिर उसको सफर भी करना पड़ता है. लेकिन ये इंसानियत है उस मुल्क की गवर्नमेंट की, उस मुल्क के लोगों की, कि वो एक्सेप्ट करते हैं अपने भाइयों को, कि जो मुश्किल में हैं, जो वॉर से फ्ली कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन से फ्ली कर रहे हैं, उनको जगह दी जाए. इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, जो आपको पता है अमेरिकन नई पॉलिसी भी आई है जिसके अंदर बैन कर दिया है 7 ममालिक के मुसलमानों को वहां जाने से, तो इस टाइम पे जो हम यहाँ पर बैठा हुआ एक आम बंदा है, या तो आप सोशल मीडिया पे जाके अपनी भड़ास निकाल सकते हैं जिससे एक्चुअली कोई फर्क मुझे नहीं लगता पड़ने वाला है, या फिर मैं कहती हूँ स्पेशली वो लोग, अभी कनाडा में जो एक अटैक हुआ मस्जिद के ऊपर, तो एक मैसेज मैंने पढ़ा जिसके अंदर लिखा हुआ था कि मेरे कैनेडियन मुसलमान भाइयों, इस वक्त हमें सॉलिडारिटी की जरूरत है. इस वक्त एक ऐसा टाइम है कि हमें मकसद नहीं पता इस अटैक का, हमें ये नहीं पता कि ये क्रूएल्टी क्यों हमारे अगेंस्ट दिखाई जा रही है या ऐसा क्यों हो रहा है. उसी दिन जस्टिन ट्रूडो की एक स्टेटमेंट आई थी कि जो लोग अमेरिका में वेलकम नहीं है उनको हम वेलकम करेंगे, और फिर शाम को ये अटैक हो गया. इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्यों हुआ है, हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता. लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जितनी भी मुसलमान कम्युनिटी है, इस वक्त हमें सॉलिडारिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक दूसरे के लिए आवाज उठाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक दूसरे को अकोमोडेट करने की ज्यादा जरूरत है, इस दुनिया को काइंडनेस की ज्यादा जरूरत है, इस दुनिया को ये जो हम लोगों ने एक स्टीरियोटिपिकली डिवाइड कर दिया है कि मुसलमान ऐसे हैं तो अंग्रेज ऐसे हैं तो जूज ऐसे हैं तो ईसाई ऐसे हैं, इस चीज को तोड़ने की जरूरत है. आजकल आप किसी एक इंसान को एक चीज के लिए कैटेगराइज करके जो है वो नहीं छोड़ सकते. आप यही देख लें कि एक मुल्क जिसके प्रेसिडेंट ने बैन लगाया मुसलमानों के वहां पर आने पर, वहीं पर उन्हीं एयरपोर्ट्स के ऊपर उसी मुल्क के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी मुल्क के अवार्ड्स के ऊपर उनके इतने बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट. तो आई थिंक अब हम उस दौर में हैं जहां पर हम एक जो है पिके के अंदर नहीं डाल सकते ढेर सारे लोगों को. तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी लोग हैं जो मेरे अब्रॉड भी बहन भाई हैं, एक दूसरे का साथ दें, सॉलिडारिटी की हमें जरूरत है, पीस की हमें जरूरत है, हमें अमन की जरूरत है, प्यार मोहब्बत की जरूरत है इस दुनिया को, और मजीद लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है. बड़ा बेबस इंसान फील करता है जब एक जगह बैठ कर ये देख रहा हो, तो थोड़ी सी फरियाद तो निकल ही आती है. आज के गेस्ट में अनाउंस करती चलूँ हमारे साथ कौन होगा. हमारा बड़ा सारा पैनल है और बहुत ही अच्छा सा जो है हमारा शो होने वाला है. हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो हमारी योगा एक्सपर्ट हैं, तो एक पीसफुल सा, पीस की जैसे मैंने कहा ना जरूरत है, एक पीसफुल सा दिन जो है उनके साथ हम स्टार्ट करेंगे. हमारे साथ होंगे शेफ वसीम जो कि बना रहे हैं फिश एला ऑरेंज, आई थिंक फिश विद ऑरेंज सॉस प्रॉबेबली आज हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑरेंज की थीम है तो हमारी डिश भी ऑरेंज से रिलेटेड होगी. हमारे साथ होंगे हकीम रिजवान साहब जो कि हमारे हर्बलिस्ट हैं और हमें आकर बताएंगे कि किस तरह जो है इसको हिकमत में भी इस्तेमाल किया जाता है. हमारे साथ होंगी महरीन नरगिस जो हमारी कंसल्टेंट डाइटिशियन है, तो उनका एक सुपर हिट डाइट प्लान विद ऑरेंजेस इंक्लूडेड हम आपको बताएंगे. हमारे साथ होंगी डॉक्टर शुमाइला जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किस तरह जो है विटामिन सी जो उसका मेन कंपोनेंट होता है उसको आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है और आपकी स्किन को क्या उससे फायदा हो सकता है. और हमारे साथ होंगी नायला हक जो कि ब्यूटिशियन है, तो इससे हम आपको बनाना सिखाएंगे ऑरेंज मास्क. तो कैसे बनाते हैं, घर में बैठे बैठे ऑरेंजेस का सीजन है, उससे मास्क बनाएं, अपनी स्किन को जो है अच्छा सा आप तरोताजा कर सकते हैं. आपसे मेरा सवाल ये है, बड़े मजे का सवाल है कि ऑरेंज, इंग्लिश का वर्ड ऑरेंज उर्दू में क्या कहा जाता है, आपने मुझे कॉल करके इसका जवाब देना है. टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद. आपको खुशखबरी में देती चलूं कि बहुत ज्यादा हमें कॉल्स आ रही थी और हमसे पूछा जा रहा था कि आप गिफ्ट कब देंगी, गिफ्ट कब देंगी. तो आज
हम जो हैं जितने भी लोग हमें कॉल करेंगे और जो सही सही जवाब देंगे उनके लिए लकी ड्रॉ के थ्रू हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो डिसाइड किया है। तो हमें कॉल कीजिए और उसके बाद जो है आपकी किस्मत कि आप हमें अच्छा अच्छा आंसर दें और उसके बाद आपको हम गिफ्ट आज देंगे। तो हमें पहली कॉल आ चुकी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप उज़्मा? मैं ठीक हूँ, बल्कि आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आज का ऑरेंज वाकई सबके लिए एनर्जेटिक है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा जो सवाल है मुझे बताएं ऑरेंज को क्या कहते हैं उर्दू में? ऑरेंज को यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसमें दो तीन तरह से कहते हैं। एक तो इसको किन्नू कहते हैं, संतरा कहते हैं, माल्टा भी कहते हैं इसको। सही, ये सारी जो है ऑरेंज की किस्में हैं। हाँ, और एक टाइप इसकी मौसमी भी होती है। अच्छा, और रंग को क्या कहते हैं? ऑरेंज रंग जो होता है, ऑरेंज रंग ये नारंगी रंग जिसे कहते हैं, नारंगी रंग कहते हैं। वाह जी, आपको तो सब पता है, इतने मेरे इंटेलिजेंट कॉलर्स। हमसे क्या सवाल है? मैं साथ साथ वेलकम कर दूं, हमारे साथ किरण भी जो है आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? कैसे आप? मैंने कहा मैं आपको वेलकम कर दूं, हमारी कॉलर शायद फिटनेस के लिहाज से कुछ पूछना चाहें। जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जी, मुझे आपसे ये पूछना था, ये जो हिप्स है थोड़ा सा जिन मतलब हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं जरा, उनको कैसे कम किया जा सकता है? हेल्दी हो जाते हैं तो उसको तो बिल्कुल कम करने की जरूरत नहीं है, हेल्दी होना तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं तो उसको कम करने के हम आपको ढेर सारे जो है तरीके बताएंगे। आपने परेशान नहीं होना, सबसे पहले बस कंसिस्टेंट होना है, ठीक है? और मैं प्लीज हमेशा कहती हूँ, चाहे आप मोटे हैं चाहे आप पतले हैं, अपने आप से प्यार करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप बहुत हसीन हैं, आप अगर खूबसूरत हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हेल्दी आपको करना है। मोटा होना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी आप कैसे हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। Exactly. मुझे बताएं आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमने वैसे जो टॉपिक आई थी एंजाइटी के लिए, ठीक है? तो एंजाइटी जाहिर है हमारे एक ऐसी बीमारी है कि पूरी मतलब कहते हैं कि बीमारी का जड़ जो है, जड़ है वो सही बात है, और वही से सारी बॉडी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, हर चीज उसी की वजह से। रीजन ऑफ जो मेन रीजन है हमें जो भी होते हैं, जैसे अभी मोटापे ऑबेसिटी भी होती है या बहुत ज्यादा पतले होते हैं, सारे ये एंजाइटी डिप्रेशन या स्ट्रेस है। असल में स्ट्रेस जो होती है एक्यूमुलेट होती रहती है, डेली का स्ट्रेस हमने एक सिंपल से स्ट्रेस भी है, जैसे हम वर्क भी करते हैं ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेस है, इसी को हम मतलब ये एक्यूमुलेट जमा होती है। नींद नहीं आती, से हार्ट रेट आपका हमेशा अब नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, हर चीज बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो इस जड़ को आज हम इसको जड़ को हमने बस, और ये है ना कि इस एक चीज में हमेशा से कहती आई हूँ कि ये आज किया तो कल नहीं किया तो ये ऐसा नहीं है, और कहेंगे अच्छा हमने कर दिया हमने तो हुआ ही नहीं है, ठीक है? और ऐसे जिम में आते हैं एक महीने में करते हैं, कहते देखे हमने तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जाहिर है इतने सालों का आपने जमा किया तो सिर्फ एक अगर तो आपने नहीं एक तो आज आप इतनी हसीन लग रही है, मैं आपकी खूबसूरती से ही डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं। अगर आपने किरण जैसा हसीन होना है तो आपको कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते। वैसे सही बात है, और ये मेरे एक मतलब हमेशा तो एक्सपीरियंस है, तो हम कैसे एंजाइटी को कम करते हैं कैसे, और ये रिसेंटली की बात है कि मेरे गई थी पेशावर से आई हूँ ना, तो रास्ते में बहुत ज्यादा एक पता नहीं किसी को एक दर्द से लगी थी एक औरत को ना, तो अब मेरे पास उस टाइम कोई इतना नहीं था कि पानी छाने, तो मैंने पैनिक हो गई थी। अच्छा। ना तो मैंने कहा अच्छा रिलैक्स हो जाए ना, वो मैंने सिर्फ इसको रिलैक्स कर यही जो मैं आज करवाने जा रही हूं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये कराया था उसको, ये कराया था। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। जिसको भी पैनिक अटैक्स होते हैं और एंग्जायटी का जो अगला लेवल होता है वो यही होता है, अक्सर आपको बहुत अरसे तक ये रियलाइज ही नहीं होता कि जो आपके साथ हो रहा है वो पैनिक अटैक्स हैं। तो अगर आप एक कंसिस्टेंट रूटीन अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलें योगा की, तो आई थिंक बहुत सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करें, सबसे पहले मुझे आसना में बैठे हैं तो हम इस पोजिशन में बैठेंगे, सबसे डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं, ठीक है? हमने डीप लॉन्ग ब्रेथ ले लिए है, यहाँ से अपनी फुल बॉडी के अपने आहिस्ता एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ आपने यहाँ रख दिया, ठीक है? राइट, अगेन अपने डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं। इस टाइम मैंने अपनी आंखों को मतलब ओपन रखी है, लेकिन आपने आंखें बंद रखेंगे, ठीक है? डीप लॉन्ग ब्रेथ, अब यहाँ से फुल अपने बॉडी को जो वाइब्रेशन हो रही है
फील कर रहे हैं, सेंसेशन हो रही है यहाँ से लेके अपने फुल बॉडी की, ठीक है, स्पेशली आपके टमी के बैक एंड योर थाइस, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही रखे दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे, यहाँ से डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हुए सबसे पहले आपने शुरू करना है दोनों हाथ जो आपके जो शोल्डर है वो उसको हब करना है, रेज करना है, और हल्का सा अपनी जो गर्दन है जो आपकी नेक है वो आपने इसके नीचे की तरफ दुबाना है, ठीक है। इसी तरह मैंने लॉन्ग ब्रेथ लिया, लॉन्ग ब्रेथ लेते हुए आपने तकरीबन 5 सेकेंड तक आपने होल्ड रखना है, होल्ड करते हुए अपने दिल को रिलीज करना है। वंस अगेन एंड एक्सहेल किया, ठीक है। वंस अगेन डीप लॉन्ग ब्रेथ, जितना स्ट्रेस है सबसे पहले हमारा जितनी स्ट्रेस है ये सारे अपनी गर्दन की, अपने बैक एंड शोल्डर की होती है, इसी को हमने जब हम रिलीज करते हैं इसके मसल्स को हमने रिलैक्स कर दिया तो उस ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन आना शुरू हो जाएगी और हमारे हेडेक जो हग होती है जिनकी माइग्रेन भी होती है इसी एंजाइटी की वजह से, इसी स्ट्रेस की वजह से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। जब ने दूसरा कर दिया इसी को तकरीबन आपने 10 टाइम करते जाएगा, ओके। वंस अगेन मैं दोबारा करती हूँ और साथ साथ अपने एक और वेरिएशन देती हूँ। आपने शोल्डर को आपने किया इतने जोर तक आपने उसको स्क्वीज करते हैं कि जितना आपको एक वाइब्रेट यहाँ इस अपनी गर्दन में आपने वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। देखे आपने अगर फील कर रहे हैं मेरे सर को, ये देखिए वाइब्रेट होना शुरू। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने सबसे पहले राइट एंड एक्सहेल करते हुए सेंटर, फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट सेंटर डन, ठीक है। ये हुआ है आपके साथ। अब उसके बाद शुरू करते हैं हमने प्रियानामा। प्रियानामा जो होती है उसको हद तक कहते हैं कि ब्रेथ, हमें इनहेल करना है एक्सहेल करना है, जितनी इसकी जितने हमने बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाएंगे उतनी आपकी बॉडी को रिलैक्स और फ्रेशनेस आना होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने ये स्टम को हमने ये राइट लेग राइट नोजल से आपको बंद करना है, ठीक है, और बाकी जो आपने फिंगर हो इस पोजीशन में हाथ रखना है, ठीक है। ये देखें ऐसी पोजीशन, और दूसरी हाथ की है ये वाले जो जितने मुद्रास होते हैं ये एक हर एक अपना एक जो इसके अपने एक बोले होते हैं कि इसके साथ अगर हमने पकड़ना है तो क्या किसके लिए होती है, इस फिंगर को अगर हमने इस तरह के ऊपर दे इसकी किसी लिए, तो आज हम क्योंकि एंजाइटी के लिए है, डर स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, तो इस पोजिशन में हमने ऐसे रखना है, ठीक है। देखे मैंने इनहेल किया है राइट नोजल से, ठीक है। अब साथ ही एक्सहेल करते हैं अल्टरनेट अनुलोम विलोम के साथ, एक्सहेल किया, ठीक है। अच्छा देखिए कुछ लोगों के जो हमारे मरीज हैं हो सकता है उनको उनकी नी में प्रॉब्लम हो, इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरे पोजीशन पे भी बता सकती हूँ कि आपने ऐसे भी बैठ सकते हैं और ये एक सिंपल भी बताना है, ठीक है। ये इस पोजीशन में सिंपल, लेकिन आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, राइट, ओके। जिन लोगों ने नहीं बैठना चाहते हैं या उनसे उनके गुदने में पेन है नहीं बैठ सकते हैं वो इस पोजीशन में वज्र आसना में ना बैठे, ठीक है। इनहेल किया है फुल अपनी बॉडी को इनहेल करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आपने ऑक्सीजन को कहाँ कहाँ पहुँचाया है, इसकी है नर्व को, इस नर्व यहाँ हमारे सारे भुजों में नर्व है, तो इस नर्व को आपने ना क्या जब ऑक्सीजन करते हैं जब आपने इनहेल करते हैं तो ये सब पहुँचा देते हैं। गहरा लंबा लेकिन स्लोली सांस लेना है, ठीक है।
बहुत जोर से या प्रेशर से कभी आपने सांस नहीं लेना है। ठीक है, अब बेशक आपने सिंपल इस पोजीशन में लोटस पोजीशन में आप बैठे, तो हाथ दूसरे के इस पोजीशन में रखना है मुद्रा में, ठीक है, लेकिन आपने सांस कैसे लेना है, ठीक है, इसी तरह आपने करके दूसरी पोजीशन में ये पकड़, कर दिया, राइट, ओके, अब अपने दोनों हाथ आपस में मिलाएं, इसी तरह सांस लें, एंड एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए दोबारा से आंखें बंद रखें प्लीज। अब रोबे दबाए, ठीक है, और उसी तरह दोबारा से, एंड एक्सहेल, एक और करना है प्लीज, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को आपने करना है, दोनों दोनों अपनी हथेलियों को, ठीक है, साथ अपनी जबान को अपने ताल को नीचे रखना है, ठीक है, और मुंह बंद रखेंगे, ठीक है। मॉर्निंग, हमारे गेस्ट पैनल ने हमें ज्वाइन कर लिया है, महरीन अभी तक हमारे पास नहीं आई लेकिन वो भी अगली ब्रेक में आ जाएंगे, मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ, हमारे साथ हैं हकीम रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई है मुझे आज आपको यहाँ पर देख के, बड़े अरसे से हम नहीं मिले, और हमारे तो यूके और यूरोप में भी अब तो चला गया है चैनल, और वहाँ पर भी देखा जा रहा है, तो नहीं नहीं अब तो अब उनके लोकल उसके ऊपर जो है टेलीविजन सेट पर भी अवेलेबल होगा, पहले तो आई थिंक सो किसी स्पेशल तरीके से दे हैड टू, लेकिन अब जो है सारे जितने भी हमारे यूके और यूरोप के नाज़रीन हैं वो भी देख सकते हैं, वो बड़े फ़ैन हैं हम, यहाँ पर जितना भी पैनल है उन सब के, हमारे साथ हैं डॉक्टर शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी थीम में है, बहुत मुझे रिक्वेस्ट मिल गई थी कि ऑरेंज थीम है, तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम भी कुछ किनू किनू लगे, बहुत बहुत अच्छी लग रही है, हसीन लग रही है जी आप, और हमारे साथ हैं नाइला हक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आज आप एक ऑरेंज मास्क बनाने जी, बिल्कुल है ना, ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी, हकीम साहब ने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी दी सुबह सुबह कि शुगर पेशेंट्स के लिए जो है एक नई चीज डिस्कवर हुई है, तो वो प्लीज हमें बताइए पहले। शुगर पेशेंट देखें जी, कोई लोग इंसुलिन ले रहे हैं, कोई टेबलेट ले रहे हैं, इसके बावजूद भी शुगर बढ़ रही है, फिर उनको मीठा खाने पे पाबंदी है कि वो नहीं खा सकते, अदरवाइज शुगर ज्यादा उनकी होगी, फिर वो लेथार्जिक फील करते हैं और बाकी मामला उनके हैं, तो शुगर पेशेंट के लिए कमाल चीज बताने लगो कि चार भिंडियां लेनी है, चार भिंडियां, ये जो छोटी भिंडी होती है, भिंडी दोरी इसको बोलते हैं, उसका हेड भी और टेल दोनों काट देना है, ठीक है, और उसका लंबे रुख उसका पेट चाक कर देना सारा, उसको थोड़ा सा खोल लेना दुर्गा, और रात को एक गिलास पानी में उसको चार भिंडियां डिप कर देनी, ठीक है, उसके बाद माल्टे का छिलका उसको खुशक करके और इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके पाउडर बन जाएगा, ठीक है, इसका क्वार्टर चम्मच इसका और साथ उसका वो पानी, वो जब पियेंगे तो विद इन 5 डेज जो टैबलेट पे है वो टैबलेट छूट जाएगी, अच्छा, और जो इंसुलिन पे है वो 10 दिन में इंसुलिन छोड़ देंगे, अच्छा, और शुगर उनकी 80 और 100 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी,
और ये मैं तकरीबन 63 या 64 पेशेंट्स पे करने के बाद मैं आज ऑन एयर कर रहा हूँ. बहुत दिन से मेरे जेहन में था ये बताऊँ. अच्छा जबरदस्त. तो लेकिन मैंने उन पे जब कोई एक पेशेंट उनमें ऐसा नहीं है जिसको इंसुलिन नहीं छूटी. कोई एक पेशेंट ऐसा नहीं है जिसकी टेबलेट नहीं छूट गई. अच्छा. और अगर वो भिंडियां खाना चाहें तो भिंडियां खा भी सकते हैं ना. वो अच्छी हैं. अच्छी हैं. और फिर जब उसको भिंडी जब निकालेंगे ना बाहर पानी पीने के लिए तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे. अगर उसकी लेस गिर रही है पानी में तो लेस उसकी पूरी गिरने देनी है. अच्छा. उसके बाद उसको पानी पिए वो. अच्छा ठीक है. क्योंकि वो जो हल है वो उसके अंदर है. जी. और फिर ये जो मेल है मर्द जरात है उनके लिए और भी खुशखबरी है. ये खुद फील करेंगे कि इसके बाद उनको और क्या अच्छा लग रहा है. अच्छा जबरदस्त. इसको हम मजीद डिस्कस नहीं करते. ऑरेंज के ऊपर अगर हम आ जाए तो हम लोग बात करें स्किन की. अगर बात होती है तो आई थिंक मेन कॉम्पोनेंट जो है वो विटामिन सी है. विटामिन सी है बिल्कुल. और आज मतलब विटामिन सी जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में और स्किन केयर के हवाले से इट्स द मेन विटामिन जिसमें हम बहुत सारे फायदे स्किन के लिए लेते हैं और लेते आ रहे हैं. जितनी स्किन प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज होता है. ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है सुंदस. नाउ इट्स इन द कैटेगरी ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट. एंटी ऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो फ्री रेडिकल और जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो इसमें स्किन के हवाले से अगर हम बात करें तो फोटो डैमेज यानी कि जो सन से आपको डैमेज आ रहा है चाहे वो पिगमेंटेशन की सूरत में है चाहे वो कोलेजन डैमेज है यानी कि यूवी ए रेज और यूवी बी रेज दोनों को ही उसके इफेक्ट्स को बैड इफेक्ट्स को ये स्लो डाउन भी करता है और उसको स्कैवेंज भी करता है. अच्छा, यानी कि उनके इफेक्ट्स को कट डाउन भी करता है. और हमारे अपने जो स्किन सेल्स हैं उनके अंदर विटामिन सी की अच्छी खासी क्वांटिटी मौजूद है. लेकिन विद द एजिंग एजिंग प्रोसेस के साथ या जो हमारा अपने डे टू डे डेली वेयर एंड टियर है जो हमारी बॉडी की होती है उसमें पोल्यूटेंट्स भी आते हैं. उसमें अगर कोई स्मोकिंग करता है या कहीं पे ओजोन लेयर डिप्लीटेड है ये सारे फैक्टर्स उसकी वजह से भी सेल में जो है विटामिन सी की क्वांटिटी कम होती रहती है. तो उसकी ऑप्टिमम लेवल रखना चाहे उसको हम ओरली दोनों तरीकों से ओरली इनटेक करना भी बहुत जरूरी है ताकि वो लेवल स्किन में इसका मेंटेन रहे विटामिन सी का और हमें हर तरह से प्रोटेक्शन मिलती रहे. प्लस उसको लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगेन ये मैं एड्रेस करना चाहूंगी बात कि एज इट इज विटामिन सी जो है उसकी जो लाइफ है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो उसकी एज इट इज विटामिन सी इज गोइंग टू डू नथिंग ऑन योर स्किन. खासतौर पे जिन क्रीम्स में या बहुत ही कोई सब स्टैंडर्ड सी क्रीम्स होती हैं सिर्फ आजकल उन्हें पता है कि चूंकि विटामिन सी या इस एंटीऑक्सीडेंट का बज है तो उसके ऊपर वो लिख के उसको सेल करने की कोशिश करते हैं. तो इट्स नॉट लाइक दैट. ये हमेशा कंकशंस में काम करता है यानी कि इसके साथ और एंटीऑक्सीडेंट साथ हों तो इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन भी होती है और इट वर्क्स. उसके अलावा इसकी फॉर्म्स होती हैं जो रिड्यूस्ड फॉर्म में विटामिन सी एज इट इज काम नहीं करेगा जब तक उसको या उसकी लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी जब तक हम उसको एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में. ये जो है ना हम थोड़े डिटेल में इसके चले गए. मैंने असल में इस सारी चीज को जो आपने बताया इसको मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है बहुत सारे सवालात में. तो ये मैं आपसे सारा कुछ जो है अलग अलग पूछती हूँ. सबसे पहले तो विटामिन सी को जो है एक गोरे रंग से एकदम से मतलब विटामिन सी जहां पर भी जिस भी क्रीम में होगा जिस भी ट्रीटमेंट में होगा तो फौरन कहते हैं ये आपको गोरे रंग के लिए बताई जा रही है. और फिर विटामिन सी सबसे ज्यादा इजीली इरिटेट भी करता है स्किन जिनकी ड्राई स्किन होती है. तो मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मैंने अगर कभी स्क्रबिंग प्रोडक्ट लिया है विटामिन सी इंक्लूडेड या मैंने इवन घर में भी अगर कभी इस्तेमाल किया क्योंकि हम अभी एक मास्क बनाना सिखा रहे हैं तो मेरी एक्सट्रीमली ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो मुझे एक्चुअली रैशेज हो जाते हैं उससे. तो उसके लिए भी मतलब आप मास्क भी जब बताएंगे तो उसको अल्टरनेट बताएंगे. जी बिल्कुल. उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर ली जाती हैं कि वो ज्यादा ड्राइनेस जो है वो खत्म हो जाए और वो आपके चेहरे को बैलेंस करते हैं. ड्राई स्किन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो हम मास्क आपको दोनों स्किन का बताएंगे. तो इरिटेशन की अगर मैं बात करती हूँ ठीक है तो ड्राई स्किन को जैसे मुझे सूट नहीं करता. नहीं सुंदर. उसमें ये है कि देखिए इसमें ये कैपेसिटी है स्किन की वाटर होल्डिंग. मैंने जैसे कहा कि ये एंटी एजिंग है तो ये एक बड़ा वास्ट सा सब्जेक्ट है. तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये क्यों कहा. एक तो ये आपकी स्किन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ड्राइनेस को कम करता है. अच्छा ठीक है. और दूसरी बात ये है कि ये कोलेजन बिल्डिंग करता है यानी कि जो आपका स्किन सेल स्ट्रक्चर है नीचे स्किन का स्ट्रक्चर है जिससे आपकी टाइटनेस और एजिंग सपलनेस आती है स्किन के अंदर जो एंटी एज करता है उसको उसकी फॉर्मेशन को बेहतर करता है और उसके डैमेज को कम करता है. अच्छा ठीक है. अच्छा, तो उसमें इरिटेशन जो आपको आती है बेसिकली उसका एसिडिक फैक्टर है वहां पे. अगर आप डायरेक्ट किसी चीज को मुंह पे लगा लेंगे बगैर अपनी स्किन के साथ टेस्ट किए तो इरिटेशन तो आएगी. लेकिन उसमें यह है कि हम इसके जो बैलेंसिंग अगर
आपने इस तरह से लगाना है तो एक तो प्लीज पैच टेस्ट कर लें, दूसरी चीज है बिल्कुल इसके बैलेंसिंग इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल कर लें, जैसे मिल्क है वो लैक्टिक एसिड है, अगर हम पाउडर्ड मिल्क विटामिन सी के अगर आपने इस तरह रॉ लगाना है तो किसी उसमें शामिल कर लेंगे तो उसकी इरिटेशन कम होगी। कम होगी सही, ठीक। तो आपने उसको मिक्स करके यूज करना है, कच्चा दूध भी ज्यादा इफेक्टिव है, कच्चा दूध। अच्छा कच्चा दूध इसके साथ मिक्स करके मिक्स करके लगा। तो ये वो नहीं होगा, इसमें तो एसिड होता है फट। अच्छा कच्चा दूध नहीं, नहीं, आपने तो मुंह पे लगाने हाँ। ना उसको पीना तो नहीं, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा जबरदस्त। गाजर का जूस उसमें आप मिक्स कर लें, वो भी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा हाँ, मैं ये इसका भी मेरा एक सवाल था कि गाजर का जूस और ऑरेंज का जूस मिक्स करके इसको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, तो किस किस चीज के लिए मुफीद होता है ये? एंटी कैंसर, अच्छा, और एंटी एसिडिटी को खत्म करता है, हाजमे को अच्छा करता है, ठीक ठीक, और स्किन पे जो एज के साथ साथ स्किन ढलकना शुरू होती है या झुर्रियां पड़नी शुरू होती है उसको रफ्तार को बहुत सुस्त कर देता है। अच्छा, मतलब जो एजिंग भी है, जो 50 इयर्स में जो झुर्रियां पड़नी है वो 70 में जाके पड़ेंगी, जो 60 में पड़नी है वो 80 में जाके पड़ेंगी। अच्छा, इस तरह करके ये स्किन को यंग रखता है। जबरदस्त जबरदस्त। मैं इसमें साइंटिफिकली बात करूंगी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज और कैरेट्स जो है, इन दोनों में विटामिन ए कंटेंट बहुत ज्यादा है, और जैसे हम कहते हैं एक्नी में हमें विटामिन ए की जरूरत होती है उसको ठीक करने के लिए, इसी तरह एंटी एजिंग के लिए भी विटामिन ए स्किन सेल्स की जो ग्रोथ में और स्किन हीलिंग में बहुत ज्यादा उसका रोल है। तो दोनों चीजों में ही इतना एम्पल अमाउंट में विटामिन ए और प्लस ऑब्वियसली एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी जिसको कहते हैं वो मौजूद है, तो वो दोनों मिलके जो है स्किन की हीलिंग को बहुत बेहतर करते हैं। मैं अभी से ना इसे कुछ छील के खाना शुरू कर दूंगी, जिंजर भी डाल लें इसके जूस में तो वो आपका फैट कटर भी बन जाता है। अच्छा जबरदस्त, आते हैं हम फैट की तरफ भी आएंगे, स्किन की तरफ भी आएंगे। एक इंजेक्शन जो है बहुत मशहूर हुए हैं जिसके अंदर विटामिन सी का कॉन्टेंट होता है, और उनको व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी कहा जाता है, उनको भी कहा जाता है कि वो आपकी जो है इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, उस पर भी बात करते हैं। पहले हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, और मैं सबसे पहले तो आपके सेट की तारीफ करना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेट जो है वो डिजाइन किया है आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है, बहुत मालूमाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज का जो आपने क्वेश्चन किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? अच्छा मुझे पता है, मेरा काम है मुश्किल सवाल करना ना। क्या कहते हैं आपको, क्या लगता है क्या कहते हैं ऑरेंज को? इस ऑरेंज को माल्टा और संतरा कहते हैं, और ऑरेंज कलर जो है उसको नारंगी या नारंगी दोनों ही कहते हैं। नारंगी, मुझे नारंगी का पता है, नारंगी का नहीं पता। नारंगी भी दोनों नारंगी जो है नारंगी वो यूज होते हैं। और अच्छा। आपके गेस्ट से आज के टॉपिक के बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, दो तीन क्वेश्चन है मेरे। एक तो मैंने ये पूछना है कि इसके ऑरेंजेस के जो हम पील्स हैं वो यूज करते हैं स्किन पे अप्लाई करने के लिए, पील जो है, ठीक है जी, तो अगर एक्नी है स्किन पे तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, जैसे ईचिंग हो या खुदा ना खासा और ज्यादा बढ़ जाए? और दूसरा, अगर हम इसको प्रिजर्व करना चाहें कुछ अर्से के लिए तो उसकी भी कोई रेमेडी है? प्रिजर्व करना चाहें ये पील को? नहीं नहीं नहीं, पूरे यानी ऑरेंज को अगर हम, जैसे अब थोड़े सीजन यानी इसका रह गया है, तो अगर हम इसको कुछ अर्से के लिए और एंजॉय करना चाहें और प्रिजर्व करना चाहें तो उसके लिए भी कुछ बताइएगा। अच्छा प्रिजर्व करना चाहें, ठीक है, सिर्फ ये दो सवाल है? जी जी ठीक है, हम आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, पहले तो उन्होंने पूछा कि अगर तो आपकी स्किन पे एक्नी है तो क्या ये ऑरेंज पील जो है ये उसको इरिटेट करेगा? अबल तो करेगा नहीं। अच्छा, और अगर करने का अंदेशा है तो इसमें खरबूजे का छिलका शामिल कर लिया जाए। अच्छा, खरबूजे का छिलका, ठीक है, तो ये एक्नी के लिए और चेहरे के दाग धब्बों के लिए जबरदस्त वो रोल अदा करेगा ना ये। अच्छा, इसका मास्क सा बना लिया, ये मास्क बना लिया जाए, इसमें कच्चा दूध शामिल किया जा सकता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसमें लेमन थोड़ा इस्तेमाल कर लें, या मक्खन भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ड्राई स्किन है तो, ठीक, तो ये कोई एचिंग नहीं करेगा, ठीक है। और अगर वो डायरेक्ट पील लगाना चाह रही है? सुंदर, ऐसा है कि डायरेक्ट पील कोशिश करें, डायरेक्ट पील जो ड्राइड ना हो उसको ना अप्लाई करें। अच्छा, इसलिए कि उसमें इस वक्त मुझे समझ सवाल किसी ने, क्योंकि मैंने कभी ये देखा नहीं है, पील का मतलब कि जो छिलका ये जो ऊपर का छिलका पीस के लगा उसको लोग नहीं ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड पीस भी सकते हैं किसी तरह, लेकिन उसको फ्रेशली नहीं करना, इसलिए कि फ्रेशली वाले में बहुत सारे इरिटेंट्स भी होते हैं और प्लस केमिकल्स भी होते हैं जो पेस्टिसाइड्स की सूरत में भी हो सकते हैं। तो आपने इसका हमेशा ऑरेंज का जो पील है उसको ड्राइड आउट कर देते हैं ताकि उसका जो इरिटेशन है वो कम हो जाए, धूप के बगैर उसको, मतलब मैं तो देखें धूप के अंदर, कभी भी उसको जो है, चूंकि इसका पीएच लेवल ज्यादा होगा, एसिडिक होता है, तो उसको कभी भी न्यूट्रलाइज किए बगैर इस्तेमाल ना करें, यानी कि जैसे हकीम साहब ने कहा उसमें दूध मक्खन या हनी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन से मुझे थोड़ा सा ये कि उसकी एसिडिटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी, तो कोशिश करें दो एक जैसे सिट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन
अगर एक्नी है खास तौर पे तो प्लीज फेस पे इस्तेमाल ना करें, और थोड़ी सी जगह पे प्लीज लगा के देख लें, इसलिए कि कुछ लोग, वैसे तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें इन्फ्लेमेशन कम होनी चाहिए, लेकिन अब घर में उसको किस तरह यूज किया जाता है उससे इरिटेशन मजीद बढ़ भी सकती है। अच्छा, तो मेरे हमेशा से जो प्रोडक्ट्स की रेंजेस रही हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, नाम मैं नहीं लूंगी, एक बड़ी अच्छी कंपनी है जो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करती है, उनकी पूरी ऑरेंज की रेंज थी, और वहां पर जो वो खातून होती थी उन्होंने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाने थी, नहीं आपकी ड्राई स्किन है, आप ये चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मुझे इतनी वो पसंद थी। और आपको पता है ऑरेंज पील ऑयल्स भी आते हैं, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑयल यूज हो रहे हैं स्किन के ऊपर, उसमें ऑरेंज पील का ऑयल भी है। ये इस पे भी हम बात करते हैं, इंजेक्शन पे भी बात करते हैं, मोटापा खत्म करने की बात करते हैं, कौन सी बीमारियों को ये डील करते हैं उससे बात करते हैं, डाइट प्लान भी आपको बताते हैं, मास्क बनाना भी बताते हैं, और हमें कॉल कीजिए, आप हमसे आज एक गिफ्ट भी जीत सकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग, हम हैं जी आपके काउंटर पे, और अब आप जो करना चाहें बिल्कुल, एक हम मास्क लगा रहे हैं इनको, इनके चेहरे पे थोड़ी एक्नी भी है, और ये ऑरेंज पील को साए में ड्राई करके मैंने इसको बना लिया, पीस के रख लिया ताकि वो अगर अचानक हमें जरूरत पड़ जाती है तो हमें भी इतना हैसल ना हो। ठीक, तो ये हमने डाला इसमें, ये हुस्न यूसुफ, ये क्या है, हुस्न यूसुफ, ठीक है, और ये थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का मास्क है। इनको एक्नी भी है थोड़े से ज्यादा, तो इसमें हम अगर ज्यादा एक्नी हो तो फिर हम इसमें एस्पिरिन की एक टैबलेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, सही है। रोज वाटर है, जबरदस्त। अच्छा, ऑरेंज पील की जो भी चीज बनती है, स्पेशली जब हम ऑरेंज पील और रोज वाटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, उसकी इतने मजे की स्मेल होती है ना, बिल्कुल। और इसी तरह जब आप दही और अंडा लगाते हैं ना, यहाँ उसको बर्दाश्त करना इतना बुरा होता है, बार बार अपने आप को कह रहे हो तो बाल अच्छे हो जाएंगे, बाल अच्छे हो जाएंगे, वरना उसकी स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है ना। हमारे साथ जी महरीन नरगिस भी आ चुकी है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक, देखिए आप लेट हो गई ना, आपके बगैर हमने स्टार्ट कर लिया। कोई भी मास्क खा रही थी, ऑरेंजेस खा रही थी, होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना इंसान। कोई भी मास्क लगाने से पहले हम अपने फेस की अच्छी तरह क्लींजिंग करेंगे, ठीक है, क्लींजिंग करके फिर उसके बाद हम कोई चीज भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आपने जो है ना अपने अगर मेल है पूरे दिन के बाद नहीं लगाना, प्लीज साफ सुथरा करके, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो। अच्छी हो, ठीक है। अच्छा, जिनको एक्नी नहीं है वो इसमें एस्पिरिन ना डालें, लेकिन अगर एक्नी है तो फिर हम डाल सकते हैं, और अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो हम इसमें 2 या 3 कतरे ग्लिसरीन के भी डाल सकते हैं। ठीक है, सही। और कितनी देर इसको हम छोड़ेंगे? हम इसको 25 मिनट, और हम यहाँ पर तो ये हसीन लग रही है इसलिए बाल खुले, अब घर में जब लगाएंगे तो अपने बाल सारे ऊपर करके उसके बाद बैंड लगा के और फिर अपने फेस पर लगाना है, ताकि आपको बिल्कुल भी इरिटेशन ना हो। इसको हम और भी थोड़ा पतला करें, जी बिल्कुल। अच्छा, इससे जो है एक्नी भी खत्म होती है, और इसके क्या फायदे होते हैं? इससे आपकी एंटी एजिंग का भी हल होता है मसला, रंग सफेद होता है, मतलब जैसे हमारी बच्चियों को आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि रंग जरा उनको चाहिए होता है सफेद। अच्छा, बेशक आपने जो है, अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि गोरे रंग के पीछे ना जाए, इवन स्किन टोन के पीछे जाए, इवन जो बहुत ज्यादा गोरे लोग होते हैं वो भी, अगर उनकी ये जगह डार्क है, ये नीली है, पीली है, काली है, तो उस गोरे रंग का क्या फायदा? इसी तरह आपकी जब तक, जब इवन स्किन टोन होती है तो फिर आपकी हेल्दी भी लगती है, खूबसूरत भी लगती है, और विटामिन सी का आई थिंक सो एक फायदा ये भी है कि आपकी स्किन टोन को इवन करता है, इवन करता है ना, ग्लो देता है, चेहरे को बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है चेहरे पे। ठीक है, जबरदस्त। इससे ना मुझे एक हल्दी का मास्क भी याद आ रहा है, इसमें हल्दी भी शामिल है, है ना शामिल? बिल्कुल, मुझे भी पता चल रहा है। हल्दी भी जो है वो क्या कहते हैं उसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ना, उससे भी नहीं होती इन्फ्लेमेशन। अकीम साहब, आपके क्या तासुरात हैं इस मास्क के बारे में, क्योंकि इसके अंदर चीजें जो है हमने डाल कर रहा हूं कि क्या क्या कुछ है, तो उसका क्या क्या रोल हो सकता है, क्या क्या रोल हो सकता है ना, बिल्कुल। अच्छा, क्या हुस्न यूसुफ जो है किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ये भी उपटन की तरह से ही है। अच्छा, चेहरे के रंगों को निखारने के लिए। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। हुस्न यूसुफ काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, ये सब एक चीज नहीं है? नहीं। इसको कितनी देर के लिए छोड़ेंगे? इसको हम 20 मिनट के लिए, 20-25 मिनट के लिए, डिपेंड करता है। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर ये स्क्रब सा भी बन जाएगा, करके उतारेंगे। हाँ, जबरदस्त।
ये बाकी बचा लेंगे, मैं लगा लूंगी शो के बाद. नहीं बहुत सारा रखा हुआ है, आप लगा सकती हैं. बाद में बना के ना, मेरा इतना दिल करता है फिर मैं मॉडल को यहाँ से उठा के खुद बैठ जाऊँ, कोई और होस्ट करे 20 मिनट के लिए, मेरे मुंह पे भी यहाँ पे मास्क लगा हुआ हो. अच्छा जी, इसको हम लगा के भी छोड़ रहे हैं. और कुछ हमने यहाँ पे बताना है? और कुछ नहीं. नहीं, आप इसको लगाइए, मैं जाऊंगी. अच्छा जी, महरीन हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो जरा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें ऑरेंजेस की. सुंदर सी है कि ऑरेंजेस से, जैसे हम मैं देख भी रही थी कि वाइटामिन सी का जो हम बीच में जिक्र कर रहे थे, वाइटामिन सी एक ऐसा हमारा वाइटामिन है, एक ऐसा वाटर सोलेबल हमारा वाइटामिन है जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती. अच्छा. तो हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खुद से बनाती है और जब ज़रूरत पड़ती है वो काम करती है, हमारी बॉडी खुद से वाइटामिन सी प्रोड्यूस नहीं करती जब तक कि हम अपनी डाइट में वाइटामिन सी को ना लें. अच्छा, वाइटामिन सी के हम रिच सोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑरेंज एक ऐसा आइटम है जो हमारी पूरे दिन की जो रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है वाइटामिन सी की उसका 95% वो पूरा कर देता है. क्योंकि हमें 35 mg वाइटामिन सी की जरूरत होती है पर डे में और ऑरेंज उसमें हमें काफी ज्यादा वाइटामिन सी को कवर कर देता है. तो अगर आप दिन में एक किलो माल्टा भी खा लेते हैं तो सोचे कि आपकी जो पूरे दिन की वाइटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी वहाँ पे पूरी हो जाती है. मेरे जैसे लोग जो 6-6, 7-7 एक साथ खा जाए, कोई कुछ ज्यादती तो नहीं होती वाइटामिन सी की? ज्यादती देखे हर बिल्कुल, ये भी टॉक्सिन्स होते हैं. जब हम वाइटामिन को भी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी जो है तो टॉक्सिन्स की सूरत में वो जाती है, उसकी हो जाती है. विटामिन सी कैसा विटामिन है? बहुत ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी में ज्यादा हो जाए तो यूरिन के साथ पास भी हो जाता है. ये बॉडी उतना ही लेगी जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है. जैसे माइल्ड होते हैं बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी में रिटेन नहीं रहता. नुकसान इनका जो है तो नहीं होता. आप जैसे विंटर्स में देखें हम भी आराम से 8-8, 10-10 जो है तो किनो बाजा का खा लेते हैं. इसके अलावा हम लेमन का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिट्रिक एसिड की बाकी चीजें जैसे सिरका हो गया, एप्पल साइडर विनेगर, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा बेहतरीन है. इसके अलावा ऑरेंज की एक ये भी बहुत अच्छी एक क्वालिटी है कि ये कैलोरीज में बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू फाइबर कॉन्टेंट इसमें बहुत ज्यादा. जब भी हम कभी वेट लॉस की बात करते हैं या स्किन के हवाले से बात करते हैं, ऑरेंज इसका ज्यादा जिक्र क्यों होता है? क्योंकि आपको एक मीडियम साइज का जो ऑरेंज है आपको 60-80 कैलोरीज, बिल्कुल स्मॉल आप लें तो 60-63 से लेकर, और बहुत बड़े साइज का अगर आप ऑरेंज ले लेते हैं तो 80 कैलोरीज आपको प्रोवाइड करता है. लेकिन अच्छा, फाइबर जो कंटेंट है वो आपकी एपिटाइट को सप्रेस करता है, आपकी स्टमक को फुलफिल कर देता है, तो आपको जो एक बार बार क्रेविंग होती है कुछ खाने की वो नहीं होती. हम बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, जैसे आज हम डाइट प्लान में भी शेयर करेंगे, दिन में 2-3 मरतबा अगर आप ऑरेंजेस लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी वेट लॉस आपका कम होता रहता है, आप फ्रेश फील करते हैं. क्यों बासफ आपने देखा होगा कि वेट लॉस के साथ में रिंकल्स पड़ जाना, फ्रेशनेस नहीं रहती अक्सर फीमेल्स को, तो वहां पर बहुत ज्यादा उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो ऑरेंजेस का या विटामिन सी का, हम कहते हैं कि फ्रेश आप सुबह जब उठते हैं तो निहार मुंह आप पानी में लेमन डाल के, क्यों हम कहते हैं फ्रेशनेस के लिए, वो भी विटामिन सी के एक सोर्स. अच्छा, मैं इसके रिगार्डिंग रहना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी मैं पूछूंगी आपसे. एक तो हमारे साथ एक कॉलर है, फिर मैंने आपसे पूछना है क्योंकि इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है उसका एक क्लासिक वो है कि सुबह सुबह ऑरेंज जूस उसमें शामिल होता है. बट आई रिसेंटली रेड समवेयर कि अगर आप सुबह एक जो ये डिटॉक्स भी है कि सुबह सुबह अगर आप एसिड पेट में डाल रहे हैं, मतलब नींबू डाल रहे हैं या आप खाली पेट जो ऑरेंज जूस पी रहे हैं, तो उससे एसिडिटी भी हो जाती है. इसके बारे में जरा इसको क्लियर करते हैं कि क्या मैथ है. पहले हमारे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सुंदर साथी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सुंदर साथी. आपकी इस नए सेट पे ये मेरी फर्स्ट टाइम पे कॉल है क्योंकि पुराने सेट पे तो मैं बहुत ज्यादा कॉल कर चुकी हूँ. अच्छा. लेकिन आज मैं कॉलेज से जो है तो छुट्टी की है कि आपको मैं कॉल कर सकूँ और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी. ये कॉलेज से छुट्टी करने वाली बहुत बुरी बात है, मुझे कॉल करने वाली बहुत अच्छी बात है ना? तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन बस आज से बात करने का दिल चाह रहा था तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगी. जी जी जी, बताइए. आपके मतलब ऑरेंज को जो है तो संतरा भी कहते हैं और माल्टा भी कहते हैं ना? पश्तो में क्या कहते हैं उसको? पश्तो में भी माल्टा ही कहते हैं. हम तो माल्टा कहते हैं. माल्टा कहते हैं पश्तो में भी? सोच लो थोड़ा सा. मुझे तो बस हम माल्टा कहते हैं ना, मतलब मम्मा ने सिखाया है और आपको मिक्स मम्मा का कसूर है फिर, है ना? मैं आपको माल्टे की फायद भी बताऊंगी, मतलब के माल्टे का एक फायदा. सुनाओ बताओ बताओ. जो औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में अगर वो सिट्रस फूड ज्यादा खाए तो बेबी की आईज जो है तो वो बहुत प्यारी होती है फिर. ये मिसेस सशमत वाली बात की है ना, उनकी आंखें कहते हैं कि कलर्ड होती है अगर बहुत ज्यादा सिट्रस खाए तो. आपके प्रोग्राम से कुछ सीखा है ना, और आपको सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहिए. देख लो, याद कर ले, इसलिए हम गलत चीजें बता ही नहीं सकते, तुम लोग याद कर लेते हो फिर. आपको मैं सॉन्ग भी डेडिकेट करना चाहती हूँ. सॉन्ग भी? वाह क्या बात, मेरी ईद होगी आज, बताएं जी करें. जिंदगी में थी तुझसे खुशी,
चला वो मेथी तुझसे रोशनी, हमारी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढू मैं कहां, जाना जाना। पाकिस्तानी सॉन्ग है अच्छा? हाँ हाँ मैंने सुना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सुना हुआ है भाई, हमारी बड़ी अच्छी मूवी का सॉन्ग है, जानान का सॉन्ग है ना। जी, देखा मुझे पता था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इतनी बड़ी स्वीट और एक्साइटेड सी कॉलर थी ये। आंखों के कलर वाली बात वाकई यहाँ पर मुझे बड़ी कंफ्यूज थी कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि कोई प्रूवन चीज है ये भी एक सुंदर बीइंग अ डॉक्टर, तो आई डोंट बिलीव इट, इसलिए कि आंखों का कलर जेनेटिकली डिसाइड होता है। हाँ ये कह सकते हैं कि चले बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जरा बेहतर हो गया, या चूंकि एंटी इसमें स्ट्रेस हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करता है, रिलैक्सिंग है, एंटी एंग्जाइटी भी है इसमें, इतना वाटर कॉन्टेंट है, फाइबर है, तो बॉडी की एंग्जाइटीज को और कोर्टिसोल लेवल्स को डेफिनेटली कम करता होगा, तो उसमें मदर चूंकि रिलैक्स रहती होगी अगर इसको ज्यादा कंज्यूम करे, तो मेरा ख्याल है ये उसके बेनिफिट्स में से है कि ऑब्वियसली अगर मदर ठीक होगी तो बेबी अच्छा और ठीक होगा। हकीम साहब आप बताइए। असल में ये हिकमत में भी ऐसा वो नहीं है जैसे डॉक्टर ने बताया कि मेडिकली भी इसका वो नहीं है, लेकिन ये बड़े बूढ़ों की बातें हैं ना पुरानी, तो वो कभी भी गलत नहीं है आज तक। वो जो बातें आज से 200 साल पहले 100 साल पहले आज भी वो वैसे ही है। इस तरह नारियल का पानी पीने वाले बच्चे की आंखें भी अच्छी होती हैं, बिल्कुल रंग भी कलर से होता है। तो जो बड़े बड़ों की बातें हैं वो बिल्कुल पूरे साइंटिफिकली है। जैसे आज तक मुझे ये नहीं पता कि नाफ पे तेल लगाने से आपके जो है लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहते हैं, इसके पीछे क्या लेकिन बिल्कुल प्रूवन, पूरी बॉडी मॉइस्चराइज रहती है अगर आप नाफ पे तेल लगा लें और अगर आप नारियल का तेल लगा लें तो आपकी आईसाइट ठीक होना शुरू हो जाए। गर्म जगह से आप ठंडी जगह पे एकदम जाते हो ना, तो बड़े बूढ़े ये कहते थे ना कि मुंह पे हाथ फेरो, उससे वो आपको नहीं होता, अगर कभी ऐसा हो तो छींकें आती हैं अगर मुंह पे हाथ ना फेरो तो गर्म जगह से एकदम। ये पूरी साइंस। अच्छा ये मैंने आज पहली बार सुना, मैं भी क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है कि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो फौरन छींकें शुरू हो जाती है। के लिए भी बहुत जरूरी है, हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि स्किन को जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड टेम्परेचर्स में आप ना लेके जाएं। अच्छा। ऐसा ना करें कि आप हीटर्स में बैठे हुए और एकदम निकल के बाहर कूल ब्रीज में चले गए। आप पहले अपना हीटर बंद करें, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा जो बाहर का टेम्परेचर है उसको ले ले और उसके बाद फिर आपने बाहर निकलना है। तो ये तो इरिटेशन में ये तो इसमें तो साइंस जरूर है, बिल्कुल एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। गाड़ी में जो हीटर होते हैं, जो घर में हीटर होते हैं, वो आपका एयर कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि आपकी जो है रूम टेम्परेचर पे सब कुछ रहे, कि अगर बहुत ठंड है तो वो ठंड कम कर दे, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्मी कम कर दे। हम जब गर्मी होती है तो अपने आप को फ्रीजर में डाल देते हैं और जब ठंड होती है तो हम इतना गर्म कर देते हैं घर को कि फिर उसके अंदर आप कहते हैं मैं एक टी शर्ट में घर में फिरूं। तो ये मत किया करें, अपने गाड़ी में भी जब आप बैठते हैं तो फुल हीटर मत लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो आपको ठंड लग जाती है, सर पकड़ा जाता है, ये गाड़ी में उतरने और जो है बैठने से होता है। तो अपनी गाड़ी का जो है ना हमेशा बीच में रखा करें, वो जो टेम्परेचर आपका जो भी है जिस भी उस पर, उसको बीच में रखें ताकि रूम टेम्परेचर पे रहे, ताकि आपको ठंड ना लगे लेकिन गर्म ना कर लिया करें एकदम से गाड़ी को। अच्छा जी, मेरा सवाल था कि ये जो सुबह डिटॉक्स है, जो क्लेंज होता है, ये सारा कुछ होता है, इससे एसिडिटी हो जाती है, हाउ ट्रू इज दिस? सुंदर, एक तो सबसे पहले मैं बताऊं द कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज्ड अ लॉट ना। अच्छा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चेंज हो गए हुए हैं, उसमें ये है कि अब मेडिकली हम जूस लेने को प्रेफर नहीं करते, नहीं करते। अच्छा। खासतौर पे ऑरेंज जूस को। इसकी वजह ये है कि जब आप ऑरेंज जूस निकालते हैं, एक तो विटामिन सी इज अ वेरी डेलिकेट, डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगी, उसको जितना प्रेस करके हम निकालते हैं वो सारा उसका जो विटामिन सी है वो खत्म हो जाता है, नंबर वन। वो उसके अंदर होता है पल्प में, और दूसरी बात है जो फाइबर है जिसके खाने से हमें बहुत ज्यादा सेहत और बाकी हमारा वेट लॉस, बाकी सारी चीजें हो रही हैं या हमारा एपिटाइट उससे बेहतर हो रहा है, वो जो है आप उसको निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा। उसको जंक समझ के निकाल के एक्सट्रैक्ट किया, और आप जो ग्लास में जो बच जाता है दैट आर ओनली ग्लूकोज एंड शुगर, जिसमें आपकी जो डायबिटीज है उसमें मना करते हैं, जो डायबिटिक टेंडेंसी वाले लोग हैं उनको नहीं। जूसेस आर नॉट एनी मोर हेल्दी। हाँ, वेजिटेबल स्मूदीज आर, जिसमें आप क्रश कर ले सारी चीजें, उसमें फाइबर भी शामिल हो, वो आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह के जूसेस आप अब इसको ओरली मतलब वैसे खाएं, मुंह से खाएं, आप चार खा ले तो मेरा ख्याल एक ग्लास जूस के बराबर होगा। बिल्कुल। अभी टाइम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके हकीम साहब मैं आपसे पूछूंगी इसका जो पल्प है इसका क्या फायदा है, जो इसके फाइबर है इसका क्या फायदा है, इसके छिलके का क्या फायदा है, और जितने मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं जो हूँ वो ऑरेंजेस जो इवन जो वो नहीं होता जो कट करके उसमें मसाला डाल के जूस के खाते हैं, मैं उसका भी जो है वो खा जाती थी पूरा फाइबर वाला पार्ट, मुझे बड़ा पसंद है। देखा इसके कितने फायदे हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताते हैं।
मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया शेफ असीम ने, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा आज हम ऑरेंज चिकन बना रहे हैं, नहीं ऑरेंज फिश, ऑरेंज फिश बना रहे, फिश अला ऑरेंज, फिश अला ऑरेंज। तो ये क्या मतलब, इसके अंदर हम इसको मैरिनेट करेंगे ऑरेंज में, क्या अलग मैरिनेशन देंगे, मैरिनेशन के बाद हम इसमें फ्राई करेंगे इसको, फिर ऑरेंज को सौते करके इसके ऊपर। जबरदस्त। और ये कौन सी फिश ली है हमने? हमारे पास है बैटी। बैटी, अच्छा ठीक है, लोकल है वो वाली, इम्पोर्टेड वाली? ये इम्पोर्टेड वाली है, इम्पोर्टेड वाली है, हर जगह वही मिलती है ना। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं इसमें व्हाइट पेपर है, ठीक है, उसके बाद अजवाइन है, सॉरी ये मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं आ सकी। अच्छा अजवाइन भी है इसमें, ठीक है, प्लीज। मस्टर्ड पाउडर है, उसके बाद गार्लिक है, ग्रीन चिली है, सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है, वाइट फ्लावर है, ऑयल है, लेमन जूस भी रेसिपी कार्ड में मिस हो गया, ठीक है, ये भी डाल दीजिए, एग है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ऑरेंज स्ट्रिप्स है ये, ठीक है। आपने इसके अंदर से वो निकाल के इसके बीज, जी बीज, इतने से तक मैं हड्डियां कहती थी, इसके अंदर से हड्डियां निकाल, बीज निकाल के और उसके बाद से क्लीन करके आपने रख देना, और ऑलिव्स, जी जी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, सबसे पहले इसको मैरिनेशन देंगे, सही, ठीक है, इसमें हमने सारा कुछ डालना, जी सब कुछ डालते हैं, ठीक है, जबरदस्त। और कितनी देर इसको, आइडियली वैसे फिश हो या चिकन हो तो उसको आपने 15 टू 20 मिनट जो है मैरिनेट करके रखना होता है। इसकी हम मैरिनेशन करें, मेरे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे आज के सवाल का जवाब देंगी? जी, ऑरेंज को माल्टा कहते हैं, ऑरेंज को माल्टा कहते हैं, बस और कुछ नहीं कहते, संतरा कहते हैं, और रंग को क्या कहते हैं? ऑरेंज रंग को, ऑरेंज रंग को ऑरेंज कलर ही कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं ऑरेंज रंग को? नारंगी कलर कहते हैं, नारंगी कलर कहते हैं, बिल्कुल। हमसे कोई सवाल है आपका? जी ये मुझे सबसे कहना कि मुझे ना चिकन शाश्लिक की रेसिपी बता दें। चिकन शाश्लिक की आपको रेसिपी बता दें? आई थिंक एक दफा अपने शो में चिकन शाश्लिक बना सके, बना चुके हैं, लेकिन हम आपके लिए इंशाल्लाह दोबारा आपको रेसिपी। शाश्लिक बेसिकली टू टाइप में, बहुत अच्छा है, मैं देख रही हूं आपका शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनको बताए ना कि शाश्लिक जो है टू टाइप में है, एक कॉन्टिनेंटल में और एक चाइनीज में। अच्छा, तो ये रेसिपी कौन सी मांगते हैं आप? दोनों बता दीजिएगा, फर्क क्या होता है दोनों में? फर्क ये होती है कि जो कॉन्टिनेंटल है उसमें स्टिक्स में होती है, और जो चाइनीज है वो ग्रेवी में होती है। अच्छा, वो ग्रेवी में होती है। आपको हम दोनों इंशाल्लाह किस दिन बनाना यहाँ पर सिखाएंगे। हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। हकीम साहब, आपसे मैंने पूछना था कि जो ऑरेंज के कॉम्पोनेंट्स, इसका छिलका है, फिर इसके ऊपर जो वो फाइबर होता है जो लोग उतार देते हैं, और फिर इसके अंदर इसका पल्प है, तीनों चीजों का अलग अलग क्या फायदा? देखिए, जहाँ तक ऑरेंज जूस का तल्लुक है, वो तो विटामिन सी तो आपको मिलेगा उससे ना, ठीक है, लेकिन जो इसका पल्प है और इसका जो छिलका है, जो अंदर वाला व्हाइटिश जो है, वो फाइबर है। ये फाइबर जो है बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है, आपके निजाम हजम को बेहतर करेगा, खाना मैदे के कमजोरी मैदा उसको ताकत देगा। अच्छा, फिर इवन अगर मैदे को दर्द हो रहा है उसको भी फायदा करेगा। और अभी जैसे बात हो रही थी ना कि इसका एसिडिटी करता है, एसिडिटी जूसेस करते होंगे ऐसे जिनमें प्रिजर्व ऐसी चीजें डली थी, केमिकल डले होते हैं, लेकिन जो फ्रेश जूस है या फ्रेश माल्टा अगर खाते हो तो वो आपको एसिडिटी नहीं करेगा। अच्छा, सुबह भी आप खा सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट खट्टी चीज पैदा की है, इसकी खटाई की वजह से हम समझते हैं ना कि एसिडिटी करेगा, तो जो खट्टी चीज पैदा हो रही है ना वो आपको कोई तंग नहीं करेगी। जो खट्टी चीज बनाई जाती है ना, अचार, चटनियां, सिरका, फिर उस सिरके की बनी हुई चीजें, फिर टमाटो सॉस वगैरह, ये चीजें एसिडिटी पैदा करती है, ठीक है, सही। तो आपको इसमें कई मवाद ऐसे हैं जो हेल्दी मवाद है, इसके पल्प में और इसके छिलके में फाइबर मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, मतलब एंटी वो है, ठीक। और उसके अलावा ये जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीजें भी उसी में मवाद उसी में शामिल है। अच्छा, उसके पल्प में और उसके इम्यून सिस्टम भी इसी से स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि कहते हैं कि जुकाम वगैरह को अवॉइड करने के लिए भी विटामिन सी का। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि एक दफा जब आपको जुकाम हो गया है तो उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता है माल्टा खाना, क्योंकि वो खट्टा भी होता है, लग भी रहा होता है गले में, तब खाना चाहिए कि नहीं? मौसमी खा लें। अच्छा, लेकिन आप खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। दौराने जुकाम भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी जुकाम में भी, बिल्कुल। और बल्कि उस दौरान जो रेशा जमा हुआ उसको भी ये निकाल देगा। अच्छा, बिल्कुल, साइनसेस जो ब्लॉक हो जाते हैं उसको क्लियर कर देगा, क्योंकि फ्लूइड्स का आपको कहा जाता है। अगर आपका नाक बंद है तो आप माल्टा खाएंगे तो नाक एकदम आपको लगेगा खुल गया जैसे। अच्छा अच्छा, फिर आईसाइट के लिए बड़ा अच्छा है, उसके पल्प और उसका जो चीजें हैं, आईसाइट को तेज भी करता है और बिनाई की हिफाजत भी करता है। बिनाई की हिफाजत भी करता है, बेहतरीन चीज है। दो माल्टे हर एक को हर हाल में खानी है,
खाने ही है। अच्छा एक और चीज है जो डिटॉक्स डाइट लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, महरीन मैं आपसे पूछती हूँ, कॉल में ले लूँ ये, जिसके अंदर मैं उसकी बात नहीं कर रही जो एक डाइटिशियन रेकमेंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रीम, मतलब उन्होंने हर वक्त अपने पास लीमू वाला पानी एक रखा हुआ होता है और वो दिन में खाना कम और वो पानी ज्यादा पीते हैं और उससे वेट लॉस होता है, मैंने देखा है, लेकिन उससे नुकसान होते हैं कि नहीं, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सुकंदर? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आज तो आपने ऑरेंज से सजाया हुआ है अपने शो को और बहुत अच्छा लग रहा है ना। जी बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त टोटके और बहुत जबरदस्त बातें और बहुत अच्छी डिश मिल रही है सीखने को, हर चीज आपकी बहुत जबरदस्त और बहुत जबरदस्त। कॉलर्स की तो आप तारीफ करती ही नहीं है। जी मैं बता रही हूँ ना, बहुत जबरदस्त जो है ना सारा कोई शो आपका सजा हुआ है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और जो है मैंने एक फरमाइश की थी वो मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई है, मैंने कहा था देगी कोरमा बनाना सिखाएं, और इसके अलावा भी मैं आज एक फरमाइश करना चाहूंगी। जी जी जी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो जो है वो जो मखड्डी हलवा होता है ना वो बनाना सिखाएं, मुझे बड़ा शौक है वो सीखने का। एक होता है मखड्डी हलवा, इसमें क्या होता है ये? वो सूजी को ना भिगो कर काफी देर फिर बनाया जाता है, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता है। अच्छा, तो वो भी बनाना सिखाएं, और जो है आपके सवाल का भी जवाब दूंगी कि कलर को नारंगी कलर कहा जाता है और ऑरेंज को संतरा माल्टा किनू, ये सारा कुछ बोला जाता है, ये सारा कुछ कहा जाता है। फ्रूटर जो होता है, फ्रूटर उसको उर्दू में क्या नाम है? क्या कहते हैं ये सारे सवाल अभी मुझे आ रहे हैं ना, ये भी मजे का सवाल है ना। लेकिन आपकी दोनों रिक्वेस्ट आपकी मैंने नोट डाउन कर ली, क्योंकि मुझे भी देगी कोरमा जो है नहीं बनाना आता, और दूसरा क्या था, मखड्डी हलवा पेशावर में नहीं बनाते। अच्छा मैंने तो जो घर में बनाया है ना, अभी रिसेंटली बनाया था, क्या बेहतरीन बना था, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, वो दूध सूजी वाला हलवा था, वो बड़े मजे का बनता है वो, और उसमें बिल्कुल अगर आप देसी घी में बना रहे हैं, देखिए हकीम साहब को मेरी बात पसंद आएगी कि देसी घी में अगर आप उसको बनाते हैं तो ना ही वो ऑयली होगा, जिस तरह बाहर से जब हलवे खरीदते हैं ना तो उसे तेल साइड पे बहरा होता है जब आप उसे गर्म करते हैं, जरा ऑयली नहीं था वो, हालांकि अच्छा खासा उसके अंदर घी डलता है, और उसके बाद जब आप उसको दूध में डालते हैं तो वो बिल्कुल श्रिंक होके एंड इट इज सो फुलफिलिंग, बड़े मजे का वो हलवा बनता है। अच्छा जी हमने इसको मैरिनेट भी कर लिया, हमने इसको इसके अंदर ऑरेंज जूस डाला हमने कि नहीं? ऑरेंज जूस का इसमें टच नहीं आएगा, इसमें जब इसको हम स्ट्रिप्स को डालेंगे ना ठीक, तो ऑटोमेटिकली उसका जूस आ जाएगा उसमें, जबरदस्त ठीक है ठीक है। और इसको अब हम जो है फ्राई होने देते हैं। जी मेरीन आपसे मेरा ये सवाल था कि जो ये बहुत ज्यादा सिट्रस की जो डाइट होती है बेसिकली, ऑरेंजेस भी उसमें शामिल होते हैं सर्दियों में, तो एक्सट्रीम जो इसी डाइट पर चले जाते हैं, इसमें यह है कि जैसे सर्दियों में ज्यादा तो वैसे डिटॉक्स वाटर नहीं चलता, डिटॉक्स टी ज्यादा चलती है, जो हम नॉर्मल ग्रीन टी में लेमन डाल के बना लेते हैं, और फिर समर्स में जो है वो डिटॉक्स वाटर होता है, जो हम एक दफा हमने डिस्कस भी किया था समर्स में खीरा और वो बीच में पुदीना और लेमन जो है, अब इसमें मिकदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तानियों का मसला, अगर किसी ने कहा कि जी लेमन वाटर पीने से वजन कम हो रहा है तो पूरा दिन लेमन वाटर ही पी रहे हैं, बिल्कुल जी आप सलाद पे लेमन छिड़क रहे हैं तो पूरे दिन फिर वो सलाद ही खाई जा रही होती है, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ सैलड्स खा रहे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करते हैं फिर वो चीज आपको नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, विटामिन सी या सिट्रस को हटा देते हैं। मैंने खुद एक इस तरह की पेशेंट देखी जिनको बाद में अल्सर डेवलप हो गया, और जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो उन्होंने कहा, मुझे किसी ने कहा था कि एप्पल साइडर विनीगर बहुत ज्यादा यूज करो, तो वेट लॉस के लिए मैंने एप्पल साइडर विनीगर बहुत ज्यादा पिया, तो वो दिन में 5-6 ग्लास आराम से एप्पल साइडर विनीगर की बनाती थी और उन्होंने वेट तो बहुत जबरदस्त उनका कम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो एक लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट था वो अल्सर की सूरत में सामने आया। ऐसे लोगों के लिए जिनको के पता है कि हमें कोई मेदे में तेजाबियत है, गैस्ट्राइटिस है, या फिर हमें अल्सर का कोई प्रॉब्लम है, मींस कि आपके ऑलरेडी जो इंटेस्टाइन्स है वो आपकी डैमेज है या स्टमक आपका डैमेज है, वहां पर फिर आपने बहुत ज्यादा एसिडिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना होता। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में बात हुई थी कि 35 mg जो विटामिन सी है या सिट्रस चीजें आप यूज कर सकते हैं, तो वो आप एक लिमिटेड रेंज में आप लें, आप लेमन का भी यूज करें, आप डिटॉक्स वाटर भी लें, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, बस मैक्सिमम 3-4 ग्लास आप लें, या अगर इसको सिंपल अल्फाज में मैं लेमन का कहूँ तो 2 लेमन आप जो है मैक्सिमम दिन में 2 लेमन लें, क्योंकि इसके अलावा भी तो आप विटामिन सी और सोर्सेज में यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हम और चीजें भी यूज करें, बात पर चाइनीज में हम विनेगर भी ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉलीफ्लावर हो गया, लेडी फिंगर, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये भी हमारे पास
किसी हद तक विटामिन सी की थोड़ी सी सोर्स ये भी रखती हैं, तो उन चीजों का भी हम यूज कर रहे होते हैं। तो हर चीज लें अपनी खुराक में, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि सब कुछ खाएं, कम कम खाएं, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, एक्सेस किसी भी चीज की ना करें, और काइंडली सुनी सुनाई बातों में बिल्कुल भी मत जाएं। बिल्कुल, स्पेशली ये जो इंटरनेट के फॉर्मूले होते हैं उसके ऊपर तो यकीन हो सकता है जिसने आपको ये बताया है कि डिटॉक्स वाटर वो आपके लिए ठीक है, वो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हो, लेकिन आपको वो चीज सूट ना कर रही हो, उस चीज को आपने बहुत ज्यादा जो है तो आपने अवॉइड करना है। और विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जिन लोगों को एनीमिया है, जिनको आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, उनसे पहले भी मैंने एक दफा कहा था कि विटामिन सी जरूर लें, वरना अल्टीमेटली अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो आपको एनीमिया भी होगा। अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि रिसेंटली आप चीजें पढ़ रहे होते हैं ना, मल्टी विटामिन्स की टैबलेट्स आती हैं एवरीथिंग, तो उसके अंदर भी लिखा गया था कि अगर आप अपना टेस्ट करा लें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें शायद आपकी नॉर्मल है। हर इंसान की हर चीज कम नहीं होती है, नहीं होती। तो अगर आप वो जो है विटामिन्स ले रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे की चीज को एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती हैं, जैसे खाने के बाद चाय जब आप पी लेते हैं तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है, नहीं करने देती है, हिंडर करती है, तो इसका भी क्या। और दूसरा मैं ब्यूटिशियन से पूछना चाहूंगी कि कहते हैं कि जो आपके मुंह पे काले दाग धब्बे रह जाते हैं, इसके ऊपर सिट्रस जो है इसको रब अगर आप करते रहे तो वो हल्के हो जाते हैं, ये भी ऐसा ही है? रब भी करना चाहिए, लेकिन इनटेक भी जरूरी है कि आप उनको साथ साथ इस्तेमाल भी करें। ये सिट्रस फ्रूट आप खाएं ज्यादा से ज्यादा, फ्रूट चाट की शेप में, मतलब आप फ्रूट चाट बना लें और वो खाना शुरू कर दें, और जूसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप उसको रॉ फॉर्म में लेंगे पूरा जो है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर होगा। टाइम छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। मॉर्निंग, इस ब्रेक से वापस आने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं फिश ट्राई कर रही थी और वो इतनी टेस्टी है। अभी तो हमने उसके ऊपर ऑरेंज के जो है मतलब आजमात भी डालने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम आगे इनके 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। जी जी, ठीक है। तो इसको उतारने का तरीका क्या अब है? ये ना थोड़ा सा इसको हमने ना रोज वाटर स्प्रे करके इसको फिर वेट कर लिया, और वेट करके इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज कर लिया हल्का सा। अच्छा ठीक, मुझे तो जब भी ऐसा लगता है कि मेरी स्किन के बिल्कुल ऊपर वाली लेयर के नीचे हल्के हल्के दाने हैं या वाइट हेड्स हैं, तो मैं इतने जोर का मसाज करती हूँ, हालांकि वो नहीं करना नहीं चाहिए करना बिल्कुल चाहिए। भी है ना, बिल्कुल हल्के हाथों से, कि वो स्किन ज्यादा ना आपने रब नहीं करनी। ठीक है, जबरदस्त। कैसा फील हो रहा है आपको? जी मुझे तो वो रिलैक्सिंग फील हो रहा है, लाइक जैसे ये कर रही है इसे बहुत रिलैक्स, कोई और होना चाहिए ना, करने खुद कर रहे हो फिर नहीं रिलैक्सिंग फील बिल्कुल ऐसी ही बात है ना, हाँ, कोई और आपके पास हो कितना होता है, कोई बहुत रिलैक्स फील होता है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई अम्मा जी से कोई रिक्वेस्ट कर ले प्लीज, अम्मा जी बड़े सख्त हाथों से मसाज करती है, तेल किसी ने लगवाया और उन्हें पता जो ये वाला तेल होता है ना सारे बाल तोड़ने वाला, बिल्कुल है ना वो वाला होता है, साथ में सुना भी रही होती है ना सूखे बाल, कोई जो है ना अपना ख्याल नहीं रखना, लेकिन कितनी क्यूट होती है ना अम्माएं ख्याल रखने में, बिल्कुल। अच्छा, मेरी कुछ दोस्त हैं जिनकी जिनके बाल बहुत हसीन है, और उनकी अम्मी स्पेशली मतलब बचपन से लेके अभी तक, वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, शादियां हो गई हैं, लेकिन उनके लिए प्रॉपर शैम्पूस बना रही होती हैं, उसके अंदर आंवला डाल के, और वो जो है सारी आंवला रीठा के मिक्स वाले शैम्पू, और फिर वो जब घर आती हैं तो उनके प्रॉपर तेल लग रहे होते हैं, मास्क बन रहे होते हैं, तो कितनी मतलब मजे की मम्मियां होती है ना, बिल्कुल इतना ज्यादा बालों का ख्याल रखती है सर, ऑयल जरूर लगाना चाहिए, मजीद खराब कर दी, और चीजें यूज करो और प्रोडक्ट्स यूज करो, तो ऑयल जरूर लगाना चाहिए, ऑयल बहुत अच्छा होता है। पहले इसका मसाज किया अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक, एक्चुअली इनके कपड़ों पे गिर रहा है ना, तो मैंने कहा ये पहले हम उठा लें, ये तो होता है बहन, ये तो होता है ना, कोई बात नहीं, घर पे जब हम करेंगे तो वहां पर फिर हमें इतना जो है वो मसला नहीं होता, सैलून में भी नहीं होता, हाँ सैलून में भी बिल्कुल नहीं होता, ये तो है। अच्छा, यहाँ पे मुझे अभी से जो है ना इनकी स्किन सेंस सॉफ्ट तो लग रही है, बिल्कुल ये टच करके भी आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन में टच है, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट तो हो गई है बिल्कुल। अच्छा, इसको कितना रेगुलरली यूज करें कि आपकी जो एक्ने है वो खत्म हो जाए? इसमें मैं जैसे कि मैंने बताया था, आप एस्प्रिन की एक टैबलेट भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसको रोज भी यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप सोप की जगह इसी से फेस वॉश कर लें, थोड़ी देर लगाया, मसाज किया, मास्क, और अगर इसको आप बना के कितने दिनों तक फ्रिज में रख लें? जब ये ड्राई फॉर्म में होता है तो आप इसको बेशक 2 महीने भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा सही, उसके अंदर आपने उसी वक्त तो वो मिक्स करना है वैसे? जी बिल्कुल,
वाटर या रोज वाटर जी बिल्कुल, इसमें आप थोड़ा सा एक चम्मच बेसन डाल लें, टर्मरिक हल्दी डाल लें। अच्छा, आजकल की जो बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है उसके लिए कोई मास्क बताएंगी आप? आप इसमें ना ग्लिसरीन ऐड कर सकती हैं। अच्छा, तो वो भी आपके लिए जो है ड्राई स्किन को भी केटर कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपको हल्का हल्का सा एक पीला रंग नजर आ रहा है, ठीक है, ये खून की कमी नहीं है, ये हल्दी की वजह से जो है ये हल्का सा हो जाता है। बेसन और हल्दी की वजह से। बेसन और हल्दी की वजह से। इसके बाद अगर आप लूक वार्म वाटर से, प्लीज बहुत गर्म पानी सर्दियों में इस्तेमाल ना किया करें, आप बिल्कुल अपनी स्किन को जो है ना ड्राई कर देते हैं गर्म पानी से, लूक वार्म वाटर इस्तेमाल करें। और कोशिश करें, अगर आप में हल्की सी हिम्मत है तो जब भी आप मुंह धो लेते हैं उसके बाद एक दफा ठंडे पानी का छींटा मुंह पे मार लेकर उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो उसके अंदर फिर गंद वाला जो है वो नहीं जाता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आप रोज वाटर स्प्रे कर लें अगर अपनी स्किन पे, हाँ वो भी ठंडे से ना एकदम पोर्स आपके श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशली जब आपने स्क्रब वगैरह किया हुआ होता है तो उससे जो है बहुत ज्यादा आपके डायलेट हुए होते हैं पोर्स। अच्छा देखिए, अच्छा जी, अब बताएं कैसा फील हो रहा है हटने के बाद मास्क के, नजर आ रहा है ठीक तरीके से? अब आप टच करके देख सकती हैं फेस। हाँ बिल्कुल, लाइक बहुत सॉफ्ट सी स्किन हो गई है, पहले ऐसे ही थी, हाँ बहुत फ्रेश लग रही है और सॉफ्ट लग रही है मेरे से। अब इसके ऊपर जाके दोबारा मेकअप कर लेना है सजाने के लिए, तो क्योंकि मेकअप तो खवातीन छोड़ नहीं सकती, बहुत मजे का लग रहे। बाकी मास्क और करके रेगुलर इसको करती रहेंगी तो इनके जो ये निशान पड़े हुए ये खत्म हो, ये भी खत्म। अच्छा, इस तरह के निशान का मैंने पूछा था कि इसके ऊपर कहते हैं कि लेमन आप रब करें, हालांकि डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, आप उसमें हनी थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं, शुगर ग्राइंड करके वो ऐड कर सकती हैं और फिर वो लगा, लेकिन डायरेक्ट जो है ना रब कीजिएगा, कहते हैं ना दाग धब्बों पे रब करें तो वो जाते हैं। मैंने असल में ये सुना था नकल्स पे रब करने के लिए, कि जिनके नकल्स होते हैं ना थोड़े डार्क होते हैं तो उसके ऊपर अगर आप लेमन रब करते रहे तो उससे आपके नकल्स व्हाइट हो जाते हैं, ये पता नहीं इसमें सच्चाई है। उसके बजाय एलोवेरा अगर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा बेहतर। एलोवेरा पत्ता तोड़ के जेल, उसके हकीम साहब बताएंगे कि हम उसको ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, फ्रेश आप पत्ता तोड़ें और उसे जेल निकाल लें और उसको इस्तेमाल बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, जबरदस्त। अब हम चलते हैं महरीन के डाइट प्लान की तरफ। बन गया है जी? हमने तीन डाइट प्लान हमने कर ली है, क्योंकि ये जो डाइट प्लान है दिस इज फॉर वेट लॉस, क्योंकि विटामिन सी और ऑरेंजेस हमने स्टार्ट में बात की थी और आजकल हर किसी का मसला भी है कि वजन किसी तरीके से हमारा कम हो जाए। थ्री डेज का ये आपका डाइट प्लान है, आपने कंटिन्यू तीन दिन तक करना है, ऐसा नहीं करना कि एक दिन आपने किया फिर एक दिन वक्फा ले लिया फिर एक दिन किया, आपने लगातार तीन दिन आपने अपने वेट को कम करना है और आपने इसको अल्टरनेट कर डे थ्री के बाद फिर से डे वन शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जैसे ये जो आप डाइट प्लान करते हैं तकरीबन इसमें आपका 2 pounds जो है या 2 to 3 pounds आप इसमें जो है लूज कर सकते हैं विद 3 days तक, तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इसको बेशक दो दफा रिपीट कर दें, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे कि रेगुलर आपने ये रूटीन पे प्लान नहीं करने, लाइक मैक्सिमम 10 to 15 days से ज्यादा आपने इन डेज को रिपीट नहीं करना, लेकिन अगर तीन दिन तक भी आप कर लेते हैं तो आराम से आपका तकरीबन जो है 2 to 3 pounds आप वेट को जो है तो लूज कर लेंगे। अगेन हमने जो है वही चीज हमने की है, ऑरेंजेस का हमने ज्यादा इस्तेमाल रखा है, ब्रेकफास्ट मिड नून स्नैक्स लंच टी टाइम और डिनर, ये हमारे पास टोटल जो है हमारे पास 5 meals जो है, बिल्कुल हर 2-2.5 घंटे के वक्फे से आपने दूसरा मील आपने लेना शुरू कर देना है। अच्छा जी, प्लान में जो है ऑरेंजेस के अलावा मैंने प्रोटीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, क्योंकि जब भी हम हाई प्रोटीन की या वेट लॉस की बात करते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी में ठहरती है, हम लोगों के एपिटाइट को सप्रेस करती है, हमें फीलिंग को फुलनेस देती है, तो जब भी हम कभी प्रोटीन ब्रेकफास्ट होंगे तो प्रोटीन ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो आपको बहुत सा भर देती हैं और आपके तबीयत उसमें बहुत फ्रेश रहती है, आप फ्रेश फील करते हैं। अच्छा जी, सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या करना है, आपने एक कप चाय लेनी है स्किम मिल्क की बनी हुई, या फिर आप कोई सा भी साथ में टी वाइटनर ऐड कर सकते हैं, लेकिन या फिर शुगर, बिल्कुल खुले दूध की भी ले सकते हैं, लेकिन शुगर आपने इसमें ऐड नहीं करनी। इसके साथ में उबला हुआ एक अंडा आपने बॉइल्ड एग जो है एक आपने इस्तेमाल करना है। एक दफा मुझे किसी ने फीडबैक दिया था कि आप इंग्लिश में ज्यादा बताते हैं, तो हमें थोड़ा सा अब मैं आसान अल्फाज में बता रही हूँ ताकि सब देसी अंडा या जो भी है साथ में चाय हो गई। इसके अलावा आपने मिड नून स्नैक्स तकरीबन जो है 10:30-11 बजे आपने क्या करना है कि एक ऑरेंज आप यहाँ पे ले लें, या फिर अगर आप कोई बहुत हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं जिम जा रहे हैं या दरमियान में आप कुछ ज्यादा आप एक्सरसाइजेस करें तो बेशक आप एक ग्लास फ्रेश ऑरेंज
जूस का जो है विद कैरेट्स वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, लंच में आपने क्या करना है कि चिकन के दो शामी कबाब आपने जो है इस्तेमाल करने, बिल्कुल मीडियम साइज के जो है तो होने चाहिए दो शामी कबाब। ग्रीन सैलड्स, कोशिश करें कि ग्रीन चीजों का, जैसे कि खीरा हो गया, सलाद पत्ता हो गया, पुदीना हो गया या ब्रोकली वगैरह, ग्रीन आइटम्स आप सैलड में ज्यादा नहीं, कम मिकदार में आप टमाटर, प्याज या दूसरी चीजें भी बीच में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, साथ में लंच में आपने दोबारा से ऑरेंज एक रिपीट कर लेना है और ग्रीन टी आपने जो है तो लेनी है। अगेन यहाँ पर आपने शुगर इसमें ऐड नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल आपने ग्रीन टी 1 कप आपने लेनी है। टी टाइम आपका तकरीबन 5 से 6 बजे का होना चाहिए। 1 कप आप लेंगे यहाँ पे चाय शुगर फ्री, प्लस यहाँ पे मैंने वॉक ऐड की है। शाम में आधा 1 घंटा आप वॉक जरूर करें, बेशक रनिंग ना करें, ब्रिस्क वॉक करें हल्का फुल्का सा, लेकिन चहलकदमी करें, अपने आप को एक्टिव रखें। डिनर में आपने 2 पीसेस आपने लेने हैं चिकन के, ये भी आपकी मर्जी है कि आप ग्रिल कर लें, मैरिनेट किया हुआ, बारबेक्यू कर लिया, कोई भी हल्का सा बॉईल में बना लें, बस ऑयल नहीं होना चाहिए उसमें। ग्रीन सैलेड आपने दोबारा से लंच के साथ मैंने दोबारा रिपीट की है, ग्रीन सैलेड डिनर में लेंगे, ऑरेंज आप लेंगे 1 और ग्रीन टी आप लेंगे, बेशक आप बेड टाइम पे ले लें ग्रीन टी, ये आपके फर्स्ट डे का, ये आपका लो कैलोरी हाई प्रोटीन हाई फाइबर विद फुल ऑफ विटामिंस मिनरल्स ये ऐड हो गया। सिर्फ इसमें हमने चावल रोटी दालें हमने कट डाउन की है, अगर आप दाल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं चिकन की रिप्लेसमेंट में। अच्छा जी, डे 2 भी तकरीबन मिलता जुलता है। सुबह ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय शुगर फ्री, उसके साथ में 2 एग व्हाइट, अब 1 बॉइल्ड एग नहीं होगा, 2 अंडों की सिर्फ सफेदी आपने लेनी है, जर्दी को बीच में से निकाल देना है। मेनू स्नैक्स में आप ऑरेंज लेंगे 1 मीडियम साइज का, लंच में आपने लेने हैं 2 सीख कबाब, ये भी चिकन के होने चाहिए, मटन या बीफ आपने यहाँ पे यूज नहीं करना। अच्छा जी, मिक्स सैलड्स में कुछ भी हो सकता है, आप बेशक इसमें थोड़े से फ्रूट्स डाल दें, इसमें थोड़े से आप चना डालना चाहते हैं काला चना वो भी बीच में डाल सकते हैं। ग्रीन सैलेड के आइटम्स देने, खीरा, थोड़ा सा लेमन डाल दिया, ऑरेंज ऐड कर दिया, साथ में बंद गोभी ली, आपका मिक्स सैलेड रेडी हो जाए, थोड़ा बड़ा प्याला सा एक भर के आप उसको बनाएं और ग्रीन टी उसके साथ में आप लेनी है 1 कप। टी टाइम में चाय पिए, उसके बाद थोड़ा वक्फा दे के वॉक पे चले जाएं। ठीक है जी। डिनर पे फिर आपने क्या करना है कि 2 पीसेस ऑफ आपने फिश लेनी है। अगर ग्राम्स में मैं बता दूं, वैसे बाजू का था पीसेस पे ज्यादा होते हैं, ग्राम्स में अगर हम लिखे तो 100 से 150 ग्राम्स आपने जो है तो मीडियम साइज के 2 आपने चिकन पीसेस लेने हैं, या आपने ग्रिल करके लेना है, यानी इसमें जो है सॉरी फिश के, और आपने ऑयल ऐड नहीं करना। इसके साथ में आपने मिक्स वेजिटेबल सूप लेना है, लेकिन सूप में कॉर्नफ्लावर आपने ऐड नहीं करना। बाज दफा लोग डाइटिंग के लिए सूप बना रहे होते हैं लेकिन उसमें कॉर्नफ्लावर इतना ज्यादा डाल देते हैं, कॉर्नफ्लावर इज नॉट रिकमेंडेड। तो आप विदाउट फ्लावर के वेजिटेबल सूप लें, बेशक उसको गाढ़ा करने के लिए एग व्हाइट फेंटा हुआ ऐड कर दें। थाई सूप आप देखें उसमें कभी भी कॉर्नफ्लावर नहीं होता, सारे पानी पानी। बिल्कुल, सूप की सारी शान ही चली जाती है जब उसमें आप इतना सारा कॉर्नफ्लावर जो है आप ऐड कर देते हैं, स्पेशली अगर आप वेट लॉस के हवाले से करें। ऑरेंज आपने लेना है 1 और ग्रीन टी आपने रिपीट करनी है दोबारा से बेड टाइम पे, ये आप 1 लेंगे। अच्छा जी, डे 3 आपका शुरू हो गया। इस तमाम दौरान में आप अपने आप को फुली हाइड्रेट रखें, पानी जो है पानी ज्यादा पिए। याद रखें जब भी आप हाई प्रोटीन्स की तरफ जाते खा रही है तो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि साथ में वेजिटेबल्स फ्रूट्स सारा कुछ शामिल है, 100% प्रोटीन्स नहीं है, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखें, 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पिए ताकि आपकी किडनीज को रेस्ट मिलता रहे और आपका वेट प्रॉपरली कम होता रहे। डे 3 आपका जब शुरू होगा तो आपने ब्रेकफास्ट में 1 कप चाय लेनी है, अगेन शुगर फ्री। अच्छा जी, यहाँ पर अब आपने 1 शामी कबाब ले लेना है, जो आप पहले ले रहे थे लंच में, अब वो आपने ले जाना है डे 3 पे। सुबह ब्रेकफास्ट में आपने शामी कबाब लेना है। मिडिल स्नैक्स में आपने फ्रूट चाट लेनी है, इसमें आप एप्पल्स ले लें, गुआवा बीच में ऐड करें, अमरूद डालें, फ्रूट्स आप लें, लेकिन इसमें कोशिश करें हाई कैलोरी फ्रूट्स जैसे कि बनाना हो गया या इसमें अंगूर हो गए, उनको आपने ऐड नहीं करना, क्रीम ऐड नहीं करनी, सिंपल लेमन डाल के फ्रूट चाट बनाए, 1 मीडियम साइज का बोल आप रेडी करें। अच्छा जी, लंच में आपने लेना है चिकन वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है, थोड़ी सी चिकन आपने लेनी है, अगेन विदाउट कॉर्नफ्लावर के 1 मीडियम बोल आपने बनानी है चिकन वेजिटेबल सूप का। इसके साथ में कार्ब्स का एक आइटम मैंने ऐड किया है, 1 ब्राउन ब्रेड, 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लेंगे, और इसके साथ में आपने ग्रीन टी लेनी है 1 कप, बट अगेन शुगर फ्री। अच्छा जी, टी टाइम में आप टी लें, उसके बाद आप जो है तो वॉक करें आधा घंटा 1 घंटा जितनी आपका आप अफोर्ड कर सकते हैं। डिनर पे आपने लेना है चिकन टिक्का, पूरा एक चिकन टिक्का जो इजीली मिल जाता है, बिल्कुल हाई लग रहा है, चिकन टिक्का आपने लेना है। उसके साथ में आपने ग्रीन चटनी लेनी है विदाउट योगर्ट के, धनिया पुदीने की कुटी हुई, बट योगर्ट आपने ऐड नहीं करना। साथ में आप ऑरेंज लेंगे 1 मीडियम साइज का और ग्रीन टी लेनी है आपने 1 कप। इतनी सारी चीजें हैं, इतने मजेदार बीच में खाने हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा डाइट कर रहे हैं, वैसे डाइट में ना जायका सारा खत्म हो जाता है। और ये सारी चीजें वो है, अगेन मैं कहती हूँ कि वो आइटम्स होते हैं मेरे डाइट प्लान में जो घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं, वही आप कीमा मंगवाएं, सीख कबाब बनाएं, शामी कबाब बनाएं, इजीली अपने डाइट प्लान को करें और फिर हमें फीडबैक दें, फिर हमें दुआएं दें, हमें ढेर सारी दुआएं दें और हमें फीडबैक भी। टाइम छोटी सी ब्रेक का हम कॉल ले सकते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं।
हाँ कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी माशाल्लाह हमें लगती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और इतनी प्यारी प्यारी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही है ना कि मैं बड़े गौर से और ध्यान से सुन रही थी, हालांकि मैंने आवाज म्यूट की हुई है। मैं आपकी आवाज़ फोन पर सुन रही थी, बहुत मजेदार बात। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस आपके फायदे की हम बातें करते हैं और अगर आपको वाकई फर्क पड़ता है तो हमें दुआएं जरूर दिया। बिल्कुल। और आपका जो क्वेश्चन था आज का, प्लीज वो थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं ऑरेंज को उर्दू में क्या कहते हैं? नून नारंगी सुना था, जब भी हम बचपन में कायदा पढ़ते थे ना उसमें तो नून नारंगी होता था। नून नारंगी होता था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह तो रही हैं। आपका वैसे तो उसे कीनू, माल्टा, संतरा, नारंगी जो हर चीज़ ही कहते हैं, कह दे वो होता है। हाँ। लेकिन असल में हम नून नारंगी पढ़ते थे और ओ फॉर ऑरेंज तो इसी तरह अभी तक याद है वो। मुझे पता है बिल्कुल, और एक्स ज़ाइलोफोन मुझे अभी तक याद है, वो कभी नहीं भूलेगा। और आपका शो बहुत जबरदस्त है और मैं कीनू के हवाले से बहुत हमें भी मिली है, और ये भी जो अभी आपने स्क्रब लगाया था वो प्लीज मुझे रिपीट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। अच्छा। और मैं जो आपके हकीम साहब हैं उनसे मैं अपनी भांजी का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम शेयर करना चाहूंगी। जी जी पूछिए जी। वो है, उसकी अभी एज है 2 इयर्स। अच्छा। तो उसे सर्दियां जैसे शुरू हुई है तो थोड़ा हल्की खांसी थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा जरा बढ़ गई है। ठीक तो है। उसे थोड़ा सा फिर बलगम का भी प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे कुछ बताएं कि उसके लिए किस क्या तरह किया जाए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बताते स्क्रब भी रिपीट करके आपको बता देते हैं। और प्लीज मुझे मेरी अपकमिंग जो है 11 फरवरी को वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली, तो मैं चाहूंगी आपसे ये गिफ्ट विन कर पाऊँ। ये आपकी तरफ से ये वाला गिफ्ट आपकी किस्मत से निकलेगा, लेकिन आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पे हम इंशाल्लाह याद रखेंगे और आपको विश जरूर करेंगे। टाइम है छोटी सी ब्रेकअप ब्रेक के बाद आप सारे। वेलकम बैक टू मेक दी मॉर्निंग। आप सबके हमारे आज के कॉलर्स के नाम इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं शो के एंड में बताऊंगी कि कौन हमारा जो है आज जबरदस्त सा गिफ्ट जीता है। इससे पहले जो सवाल आपने मुझसे किया था बच्चों की खांसी का, 2 साल के हैं तो उसके लिए कौन सा बताइए? उसके लिए बच्चों, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बड़ी लो पोटेंसी की चीजें चाहिए होती है ना। अच्छा। तो एक काबली चने के दाने बराबर मलठी का टुकड़ा, मलठी और चांद दाने खुशक शहतूत के, आजकल वो ड्राई फ्रूट की शॉप से आम मिल रहे होते हैं काले शहतूत के, तो उसको कावा बना के वो एक चम्मच यूज करके, या 2 साल का बच्चा है तो वो क्वार्टर कप एक टाइम पे पी सकता है ना, एक कप पानी में पकाना है, जब आधा कप रह जाएगा तो फिर उसको स्ट्रेन करके तो उसको पिला देना है। अच्छा, ठीक। इसके अलावा शहद थोड़ा थोड़ा चटाते रहे, अगर शहद कहीं अच्छा मिल जाए तो उससे खांसी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा माल्टे के वाले से भी चीज बताना चाह रहा हूँ बच्चों के वाले से, बहुत छोटे बच्चे जो माँ का दूध हजम नहीं करते या कोई भी दूध हजम नहीं कर रहे होते, न्यू बॉर्न जो इवन होते हैं, उनको भी आप आधा आधा चम्मच या 4 कतरे इसके माल्टे के जूस के दे दें तो दूध हजम करने में उनको आसानी होती है। आसानी हो जाती है, बिल्कुल। हकीम साहब ने एक और चीज मुझे भी ब्रेक में बताई थी कि जिन लोगों के टॉन्सिल्स हैं या जिनके ऑलरेडी गला खराब है वो ऑब्वियसली अगर ये वाली चीजें खाएंगे तो उससे फिर वो ज्यादा नुकसान इरिटेट हो जाएगा, तो वो ना खाएं, क्योंकि मैं यही पूछ रही थी ना कि दौराने जुकाम, तो जुकाम के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आपका गला या टॉन्सिल्स का मसला है तो फिर आपने ये नहीं खाना। जी हकीम साहब, बाकी दांतों में अक्सर होता है ना, ब्रश कर रहे हैं तो ब्लीडिंग होती है थोड़ा सा, तो वो माल्टा अगर एक दिन में आप एक माल्टा खाएंगे तो वो ब्लीडिंग नहीं होगी ना फिर। अच्छा। वो ब्लीडिंग रोक देता है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। फिर अगर इसहाल है, लूज मोशन है, तो माल्टे का छिलका खुशक करके ग्राइंड करके उसको थोड़ी एक एक चुटकी दिन में 3-4 दफा दी, छोटे बच्चों को, और बड़े हैं तो आधी आधी चम्मच भी ले सकते हैं। ठीक है। उसको भी वो ठीक करता है ना। फिर आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो है ना 8-10 साल के बच्चे हैं, खा पी रहे रहते हैं लेकिन सोकड़ा उसको बोलते हैं, सूखे होते हैं बिल्कुल, हड्डियां पसलियां उनकी बाहर निकली होती हैं, उनके लिए भी माल्टा बेहतरीन चीज है, सोकड़ापन खत्म करता है ये। मतलब बच्चे जो खा रहे हैं लेकिन जिसम पे गोश्त नहीं आ रहा, गोश्त नहीं आ रहा बिल्कुल, वो हमेशा। फिर जिनको डिप्रेशन का इशू है, डिप्रेशन रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं लोग, वो माल्टे के जो पत्ते हैं ना इसका कावा पिए, वो इसका कावा बहुत हेल्पफुल है। अच्छा सर। फिर जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है उसको चाहिए कि दिन में 1-2 घंटा माल्टे के दरख्त के नीचे जाके अपना बैठे थोड़ा सा उधर रिलैक्स करें, उससे बहुत ज्यादा असरात उसके आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, आजकल तो आपको पता है हर एक को डिप्रेशन थोड़ा बहुत, स्पेशली ये जो मौसम है इसमें तो वैसे। फिर जिनको यूरिन पास होता है और वो रुक रुक के आ रहा होता है या जलन से आ रहा होता है, तो उनके लिए भी माल्टे का जूस या माल्टा खाना बहुत मुफीद है ना। अच्छा, ठीक है। और फिर जो उनको एक्ने का इशू है, तो चरियाता एक चीज है, चरियाता जी जी, उसकी आधी चम्मच चरियाते की और 1 गिलास माल्टे का जूस का इसका, उसमें भगो के रख दें 2 घंटे, फिर उसको निथार के तो उसका वो पी लें तो एक्ने को वो ठीक करेगा। अच्छा, ठीक। फिर माल्टे के फ्रेश छिलके को
वो करके मैश करके तो वो भी फेस पे लगाया जा सकता है छाइयों के लिए भी और ये दाग धब्बों के लिए और टोन अप करने के लिए हेल्पफुल है इसके लिए। ठीक है जबरदस्त। और ये तो और मैं आपको बता रही हूँ जैसे कोई भी जो फल होते हैं, जब इन्होंने बात की कि दरख्त के नीचे जो लोग इतने खुश नसीब नहीं है कि उनके गांव हों जहाँ पर बड़े बड़े दरख्त हैं इसके, तो मुझे लगता है सेंटेड कैंडल्स जो मिलती हैं जो ऑरेंज की होती है, और मैं आपको किसी दिन, अभी तो खैर हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको ऑरेंजेस से ही जो है बनाना सिखाती कि आप किस तरह घर में जो आपके पास ऑरेंज के छिलके हैं इससे आप सेंटेड कैंडल्स बना सकते हैं और उसको जो है आप घर में लगाएं और उससे हाँ हाँ बिल्कुल सोप भी आ गए और आप घर में जो है उसको रख लें और उससे पूरे घर में जो है बड़ी खूबसूरत जो है वो स्मेल आएगी। एक गलती मत कीजिएगा जो मैंने की थी, क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया था कि देसी घर में अगर आपने ह्यूमिडिफायर बनाना है तो आप एक पतीले के अंदर पानी चढ़ा के उसके अंदर अगर आप सौंफ डाल दें, सिनेमन डाल दें, हर चीज की बहुत अच्छी स्मेल आएगी, लेकिन अगर उसके अंदर आपने माल्टे का छिलका डाल दिया तो उसकी बिल्कुल अच्छी स्मेल नहीं आती। ये मैंने खुद डिस्कवर किया है। माल्टे का छिलका वैसे छील के अगर आप रूम छील के रख दें तो वो सही होता है, लेकिन अगर आप उसको बॉईल करना शुरू कर दें तो उसकी बड़ी बुरी स्मेल आती है। मुझे कबर्ड में रख दें माल्टे के छिलके ना तो आपकी कबर्ड से जैसे अक्सर होता है ना बाल आती है तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो आप किसी बॉल में रख के थोड़े छिलके रख दें। अच्छा, ये सड़ता तो नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई फंगस वंगस तो नहीं लग जाती है? मॉइस्ट रहेगा तो फिर तो सड़ जाता है कुछ दिनों, चार दिन में आप निकाल के छोड़ ना दें हमेशा के लिए, उसको चेंज करते रहे तो अच्छा होगा। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शायदा? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सेट और खूबसूरत लोग। बस जी देख लें कितने हसीन लोग हम बुलाते हैं ना। अच्छा जी, ऑरेंज आपने पूछा था कि इसको क्या कहते हैं, इसको जी माल्टा कहते हैं। ऑरेंज का जो मतलब है वो माल्टा है, ठीक है। नारंगी इसका मतलब नहीं है, नारंगी एक छोटा, इसका बहुत सी किस्में हैं। इंग्लिश में तो वैसे ऑरेंज पूरी फैमिली को कहते हैं। नहीं नहीं, ऑरेंज ऑरेंज कलर को जो है नारंगी कहते हैं ना। अच्छा, आपने कलर का पूछा? नहीं नहीं, मैंने ऑरेंज का ही पूछा था, फिर बीच में मेरा एक सवाल था कि ऑरेंज कलर को क्या कहते हैं, तो उस पर मुझे लोग बता रहे थे कि वो नारंगी कहते हैं। लेकिन अच्छा, मुझे नारंगी नहीं कहते। हाँ, इसकी बहुत सी फैमिली है इसकी माल्टे की, इसमें किन्नू भी है, संतरा भी है, और फिर इसकी बहुत सी किस्में, रेड ब्लड है, वॉशिंगटन है, बहुत से माल्टे होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑरेंज की सारी फैमिली को ये लोग माल्टा कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं फ्रूटर को उर्दू में क्या कहते हैं? फ्रूटर को नारंगी शायद कहते हैं, नहीं नारंगी फ्रूटर को भी नहीं कहते। किसी को पता है यहाँ पे? फ्रूटर, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि फ्रूटर को। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम ही फ्रूटर है। आप गांव में चले गए सब उसको फ्रूटर ही बोलेंगे, गांव वाले भी फ्रूटर ही कहते हैं, छोटे वाले हम पठान फ्रूटर कहते हैं। एक दल के माल्टा होता था जिसके पेट में एक माल्टा और होता था, उसको वॉशिंगटन कहते थे, अब तो वो लगाया ही नहीं जाता। वाकई माल्टे के अंदर एक माल्टा होता था? माल्टे के अंदर एक छोटा सा माल्टा और होता था। अच्छा, और अब एक आजकल आता है शकरी जो टोटली मीठा होता है, जो उसमें कोई वो नहीं होता, हाइब्रिड बोलते हैं इसको। अच्छा, सकरी या सुकरी, अच्छा वो कोई हाइब्रिड होगा, जिस तरह वो शरबूजे थे ना जिसके अंदर वो स्पेशली उनको बनाया जाता है मीठा। ठीक है जी, आपने मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए मेरे पास ऑलरेडी नाम आ गए थे आपका, नाम मेरे पास जी जी आपका ना, आप एक मैं अभी बात कर रही थी इंजेक्शन की, विटामिन सी के, वो जरा प्लीज जल्दी से बताते हैं। ठीक है जी, आपने गौर से सुनना है, ठीक है, और आपका नाम भी मैं इसके अंदर जो है शामिल कर देती हूँ जी। पहला आप बताइए, विटामिन सी के इंजेक्शंस जो हैं वो हम बेसिकली लगाते हैं जो लोग अपने कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा ब्राइटर करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें मैं गोरे का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगी, इट्स बेटर साउंड्स कि ब्राइटर हम इसको कहें, ब्राइटर या फ्रेशर करना चाहते हैं या अनइवन टोन अपनी थोड़ी रिग्रेस करना चाहते हैं। उसमें यह है कि विटामिन सी ग्लूटाथियोन इज अनदर एंटीऑक्सीडेंट, तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी विटामिन सी की प्रेजेंस में ही होती है। अच्छा अच्छा, तो उनका कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं और उसकी सर्टेन सिटिंग्स होती है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट भी होती है या अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है आपका उसका क्या लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से भी देख के हम सेट करते हैं कि उसको कितनी जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद सर्टेन सिटिंग्स के बाद हम एक ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन एक अचीव कर सकते हैं, और उसके अलावा ये इम्यूनो बूस्टर भी है। अच्छा, जो लोग लिथार्जिक या फिटीग्ड रहते हैं या बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस रहते हैं, ओवर बर्डन होते हैं अपने काम में, तो इसको यूज करने से थोड़ा सा उनका एक्टिविटी लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है, अच्छा जबरदस्त। इसका मैंने कॉम्बिनेशन विटामिन डी के साथ भी सुना हुआ है, ग्लूटा समथिंग। विटामिन डी का तो वैसे ही हम जनरली
मैं हमेशा पेशेंट से ये कहती हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे ज्यादा वाइटामिन डेफिशिएंट होता है सबके अंदर, दैट इज वाइटामिन डी. और इसकी हमारा मतलब हमारा कोई जेनेटिकली मेकअप ऐसा है कि हम वाइटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं अक्सर, तो उसमें ऑफ एंड ऑन अपना चेक भी करा लिया करें. और कभी कभी उसको जो है 3 to 4 weeks जैसे वंस अ वीक उसके शॉट्स आते हैं, आप ओरली भी ले सकते हैं. बिल्कुल, तो अपनी जो है ये सारी कमी आपने पूरी कर दी. हकीम साहब, हम कुछ और बता रहे हैं माल्टे के रिगार्डिंग. जी माल्टा, देखें मैं ये हमेशा से ये कहता हूँ कि बजाय इसके कोई बीमारी कोई आए तो बीमारी आनी ही नहीं चाहिए. तो आपने जितनी भी अच्छी चीजें हैं ये, जैसे आजकल विंटर है तो यखनी का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल, और फिर फ्राइड चीजें ना इस्तेमाल की जाए. इस तरह माल्टे को जो है ना इस मौसम में पूरा एंजॉय करना चाहिए. दो माल्टे हर एक बंदा खाए, और बल्कि धूप में बैठ के खाए, और नेक पे साइड में धूप लगे आपको विटामिन डी भी मिलेगा. अच्छा अच्छा, और ये नेक जरूरी है, नेक पे धूप लगेगी तो फिर विटामिन डी आपको डायरेक्ट मिलेगा उससे. अच्छा अच्छा, जबरदस्त. तो या फिर आप 3-4 घंटे बैठे तो भी ठीक है, तो भी ठीक है. लेकिन इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं. धूप में बैठ के माल्टे खाने का मजा ही कुछ और है. मैं तो कहती हूँ इस सीजन तो हम तरस गए, बारिशें नहीं हो रही थी तो उसकी वजह से बिल्कुल सूखे हुए माल्टे आ रहे थे और कोई टेस्ट नहीं था. उसके बाद अभी जो माल्टे आ रहे हैं बड़ी मुश्किल से जायकेदार माल्टा मिल रहा है, वरना सारे लेते हैं स्टोर वाले माल्टे. अक्सर लोगों के हाथ पांव गर्म होते हैं, शेकन करें तो आप पूछते हो कि आप टेम्परेचर है, तो उसके लिए भी माल्टे का जूस या माल्टा खाना उसके लिए बेहतर है. माल्टा खाना बेहतर है उसके लिए. फिर जॉन्डिस जो होता है, यरकान हेपेटाइटिस ए जिसको बोलते हैं, उसके लिए माल्टे का जूस या माल्टा खाना बहुत अच्छा है ऐसे पेशेंट के लिए. अच्छा अच्छा, और मतलब इसके लिए. अच्छा, एक और चीज भी मैंने आपसे पूछनी थी, क्योंकि ये हमारे अजीज हैं जिनके साथ ये हुआ है, तो उनके लिए भी है. एक छोटा बच्चा, उसको टाइफाइड हुआ और कुछ अर्से बाद मतलब वो ऑब्वियसली वो आपकी बिल्कुल एनर्जी ड्रेन कर देता है, तो आईसाइट वीक हो गई है. जब उसका टाइफाइड खत्म हुआ है, रिकवर हुआ है, उसके बाद आईसाइट वीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसको मेरा ख्याल है बहुत हाइपरटेंसिव की मेडिसिन को दी गई है, जिसकी वजह से उसको ऐसा हुआ है. अच्छा, क्योंकि उनकी लेकिन फैमिली में भी आईसाइट वीक है, मेरे अब्बू की भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. वो भी एक चीज हो सकती है, तो दोबारा ठीक हो सकती है. ये पेशेंट को देख के उसको इस तरह से ऐसे नहीं बताया दिया जा सकता, बल्कि प्रॉपर ठीक. वैसे भी जो हाई ग्रेड फीवर्स हैं, टाइफाइड है या नमूनिया हो जाए किसी को, वो कोई ना कोई किसी ऑर्गन को बाज दफा ज्यादा डैमेज कर देता है, तो उसमें आपकी आई साइट भी इन्वॉल्व हो सकती है. कुछ लोगों के बाल गिर जाते हैं, कुछ लोगों की स्किन पे कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाते हैं. उसमें हाई स्पाइक्स ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि कोशिश करें आप इंतजार ना करें. जब आपको पता चल कि टाइफाइड है, एक तो डॉक्टर से फौरन ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, और उसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे को जितने अर्ली स्पैन के साथ आप पैनाडोल या एंटीपायरेटिक्स दे रहे हैं, यानी कि बुखार कम करने वाली, वो जरूर दें. अदरवाइज जब भी हाई टेम्परेचर में वो ज्यादा देर रहेगा और आप इंतजार करेंगे कि शायद ये खुद ही खत्म हो जाता है कुछ, तो उतना ही वो डैमेज करेगा आपके इन ऑर्गन्स को. प्लीज ख्याल रखें. प्लीज एक बात के साथ आज मैं वाइंड अप करूंगी कि साफ चीजें खाएं, सफाई इतनी जरूरी है. ये जो इस तरह फीवर है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सब कुछ आपको मेन वजह इसकी गंदगी है. हाथ धोएं प्लीज, ये एक ऐसी चीज है, बड़ी आम सी चीज है, इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. हाथ आपने धोने हैं कोई भी किसी भी गंदी चीज को हैंडल करने के बाद, खाना खाने से पहले, कोई भी चीज अगर आपने खानी है उससे पहले अपने हाथ जरूर धोएं. पानी अगर आपके घर में ट्यूबवेल का आ रहा है, बोरिंग का आ रहा है, प्लीज उसको बॉयल जरूर करें. कोई कहीं पर आपको नहीं पता कि वो कहां से किस चीज में मिक्स होकर आ रहा है, तो प्लीज उसको आपने जो है बॉयल करके पीना है. पानी में एहतियात करें. फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, जितनी भी घर में चीज आती है अच्छी तरह धोकर उनको आपने खाना है. सफाई आदि ज्यादा चीजों से आपको वैसे ही बचा लेगी. आपके नाम मेरे पास यहाँ पर हैं और ये कसूर जो है ये डॉक्टर शुमाइला का होगा, ठीक है? जिनको नहीं मिलते नाम प्लीज पढ़ दीजिए, जिनका भी नाम है उनको आज का हमारा गिफ्ट जो है वो दे दिया जाएगा. सुंदर आयशा है मुल्तान से. आयशा मुल्तान से आज की हमारी जो है एक जबरदस्त गिफ्ट की विनर है. आपका एड्रेस हमारे पास है, आपको हमारा गिफ्ट जो है वो पहुंचा दिया जाएगा. हमें बहुत सारी दुआएं आपने जरूर देनी है. थैंक यू सो मच हमारे, थैंक यू हकीम साहब, एंड थैंक यू महीना. आपका डाइट प्लान हमेशा जो है कामयाब होता है. थैंक यू आपको, हम यहाँ दावत देते रहेंगे. आपको पता है हमारी ऑडियंस को ऐसे घर में बैठे बैठे जो मास्क सैलून से हमें छुटकारा मिल जाए वो बड़ा जरूरी होता है ना, तो वो भी. और थैंक यू आपने भी हमारे यहाँ पर साथ दिया. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. और एक छोटी सी शेफ साहब का भी बहुत बहुत थैंक यू, और उनकी डिश जो है मैं आपको दिखा दें, जो इतनी हसीन लग रही है इस वक्त. आधी फिश तो मैं उनकी वैसे ही खा गई थी, और बाकी जो है इस प्रोग्राम ओवर होने के बाद खाएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.